So on behalf of entire team of Defined Values Consultants, I welcome all of you to the first edition of Project Yug Parivartan Induction Webinar. Although you could see that this is first edition of Project Yug Parivartan Webinar, we have done almost 200 plus events so far related to Project Yug Parivartan, but this is first time we are doing that through a webinar. So, आप सभी का स्वागत है पहले एडिशन में प्रोजेक्ट युग परिवर्तन की इंट्रोडक्शन. तो प्रोजेक्ट युग परिवर्तन जैसा कि आप नाम ही देख रहे हैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बल्कि आप कह सकते हैं इस समय इस प्लेनेट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. लेकिन इसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है तो ये इंट्रोडक्शन वेबिनार में हम आपको इसकी पूरी डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको इन अ नटशेल दो घंटे में पता लग जाए कि कितना बड़ा डिवाइन मिशन इज इन द प्रोग्रेस. तो मैं स्टार्ट करता हूं इसको. एजेंडा मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं. सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट नीड फॉर अ युग परिवर्तन. आखिर युग परिवर्तन चाहिए क्यों, क्यों चाहिए, वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत बड़े चेंज की आवश्यकता क्यों है. उसके बाद हम बात करेंगे विजन ऑफ गोल्डन एज इकोसिस्टम. क्योंकि जब जब युग परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज किया जाता है. और चेंज किस दिशा में किया जाता है, चेंज किया जाता है गोल्डन एज की तरफ, सतयुग की ओर, जहां पे सभी चीजें आइडियल तरीके से चल रही हैं. देन ये बनेगा कैसे गोल्डन एज, उसको बताने के लिए तीसरा जो पार्ट है इस प्रेजेंटेशन का वो है नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लीडर्स टू क्रिएट गोल्डन एज. ये सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लीडर्स इस गोल्डन एज को क्रिएट करेंगे तो उनकी क्या आवश्यकता है, कौन होते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स, ये सारा हम कवर करेंगे तीसरे इसके सेक्शन में. चौथा है कि जब आप जान जाएं कि युग परिवर्तन क्या है और गोल्डन एज की विजन क्या है और कौन लोग इनको करेंगे तो इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, रोल रहेगा, वो हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज इन इट फॉर यू. और फाइनली हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप्स की. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं. इन पांच एजेंडा में से पहले को उठाते हैं नीड फॉर अ युग परिवर्तन. आखिर आवश्यकता ही क्यों है युग परिवर्तन. देखिए कुछ चीजें मैं एक बेसिक फंडामेंटल यहां पे सेट करूंगा पांच मिनट के लिए सो दैट कॉन्टेक्स्ट इज सेट और उसके बाद आपको युग परिवर्तन क्या है वो ठीक से समझ में आए. आप ये सामने जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पूरे यूनिवर्सल इकोसिस्टम का एक सिंबॉलिक वे में इसको रिप्रेजेंट किया है कि दो तरह की एंटिटी से ये यूनिवर्स पूरा बना है, जड़ और चेतन, लिविंग एंड नॉन लिविंग. और ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एनर्जी फ्लो के द्वारा. तो जो भी कनेक्शन इनके बीच में बनता है वो एक एनर्जी फ्लो के द्वारा बनता है और ये एनर्जी फ्लो आपस में एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंस भी है कि हम सब लोग और सारी चीजें एक दूसरे पे निर्भर हैं. तो ये सारी चीजें दे कम इनटू द डोमेन ऑफ चेंज, दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग इंक्लूडिंग अवर बॉडी माइंड एंड रिलेशनशिप एवरीथिंग. एंड यू मस्ट हैव सीन दीज डेज ड्यू टू दिस कोरोना वायरस केयर सेवरल थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड आर चेंजिंग. आप ये सोच लीजिए ह्यूमन लाइफ का कोई भी ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है जो अब चेंज नहीं होने जा रहा है क्योंकि ये युग परिवर्तन का आगाज है, सब कुछ चेंज होगा. चेंज की आवश्यकता कम पड़ती है वो भी हम समझ लेते हैं क्योंकि सिर्फ करने के लिए ही चेंज नहीं करना है, उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए, कोई नीड होनी चाहिए. तो जब ये एनर्जी फ्लो जो जड़ और चेतन के बीच में हो रही है ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल के साथ हार्मनी में होती है वो तो ये सॉल्यूशन पैदा करती है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम पैदा करती है. तो अभी जो पूरा वर्ल्ड है आप देख ही रहे हैं कि बहुत समय से बहुत सारे लोग यूनिवर्सल हार्मनी के हिसाब से एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसी वजह से पूरा वर्ल्ड प्रॉब्लम से घिर चुका है. तो इकोसिस्टम को या यूनिवर्स को या ईश्वर को इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ह्यूमन बींग्स क्रिएट करें या दूसरे लोग क्रिएट करें, लेकिन ये प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स के लिए बॉदरेशन है और इन्हीं बॉदरेशन को सॉल्व करने के लिए, इन्हीं नीड्स को पूरी करने के लिए हम लोग काम करते हैं. तो कोई भी व्यक्ति इस प्लेनेट पे ऐसा नहीं है जिसका कर्म, जिसका काम दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ना हो. आप ऐसे किसी भी प्रोफेशन में नहीं आ सकते जिसमें किसी की भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है.
ठीक है, तो इसी से हमारा वर्क क्रिएट होता है और यही हमारे चेंज करने का कारण होता है। जब हम इसको ऑर्गेनाइज करके सॉल्व करते हैं, एक तो तरीका हुआ कि हम लोग इसको अकेले अकेले बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के द्वारा सॉल्व कर लें, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति के ऊपर आधारित सॉल्यूशन हो जाता है। जबकि सही सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का तब होता है जब लोग एक सिस्टम के द्वारा आपस में जुड़ के, एक एनर्जी फील्ड के द्वारा आपस में जुड़ के एक ऐसा एनर्जी मोमेंटम क्रिएट करें जो लगातार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहे और इतने लेवल तक वो मोमेंटम बढ़ जाए कि एक दिन उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर होता है अगर वो भी चला जाए तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, 8 तरह के लोग रोल करते हैं और आपस में जुड़ते हैं किसी भी समस्या का जो है दीर्घकालिक सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आते हैं एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, वॉलंटियर्स, एंड यूजर्स, लेंडर्स, वेंडर्स एंड B2B पार्टनर्स। इनके बारे में हम डिस्कस यहाँ पे पूरी डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बताने के लिए ये है कि ये सभी लोग इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के बीच को बीच में रखते हुए सॉल्यूशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में। ना, ये ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम किस लेयर तक बनता है वो भी आप देख लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइज सिस्टम में, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो या यूनाइटेड नेशंस हो, वो क्या करते हैं अल्टीमेटली, वो लोग ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को आपस में जोड़ के प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशंस के द्वारा प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप करते हैं सो दैट दूसरे ह्यूमंस की यानी कस्टमर्स की और एंड यूजर्स की नीड जो है वो सॉल्व हो जाए। अभी हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से एनर्जी प्रोसेसिंग इंजन है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी आप ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हैं ये सब एनर्जी प्रोसेसिंग इंजन है कि कुछ ये इनपुट लेते हैं, उसको कुछ प्रोसेस करते हैं और यूनिवर्स में वापस आउटपुट भेज देते हैं। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपस में जुड़ी होती है। किसी का कस्टमर किसी का वेंडर होता है, किसी का एम्प्लॉई किसी का प्रोडक्ट होता है। इस तरीके से पूरा वर्ल्ड, जैसे हम सारे माला के एक तरह से मोती है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपस में एक ही माला की मोती है। ठीक है, और ये चाहे टीम हो, बिजनेस यूनिट हो, कम्युनिटी हो, फैमिली हो, कंट्री हो, इकोसिस्टम पूरा का पूरा हो, ये सब आपस में बंधा हुआ है और इस तरीके से ये सारे आपस में जुड़ के एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं। अब ये जो सर्विस हो रही है, अगर ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं हो रही है तो धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ सर्विस गिरने लग जाती है और ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी ड्रॉप होने लग जाती है। तो जैसा आज आप हम लोग देख भी रहे हैं और इस कोरोना वायरस केयर से पहले भी देख रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में लोगों की जीवन की जो क्वालिटी है वो उसका स्तर गिर रहा था। ठीक है, कुछ पैचेस में, कुछ एरियाज में हो सकता है बढ़ता हुआ भी दिखे, लेकिन ओवरऑल अगर आप यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वो गिर रहा था। और वो क्यों गिर रहा था? क्योंकि लोग अपने आत्मज्ञान से, अपने सेल्फ रियलाइजेशन से भटक गए और जो क्वालिटी देनी चाहिए थी, जिसके लिए इस प्लेनेट पे उतारा गया था, वो करना उन्होंने छोड़ दिया। तो जब ऐसा एक लंबे समय तक हो जाता है तो पूरे यूनिवर्स में एक नेगेटिव एनर्जी भर जाती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कंटेनर एंड कंटेन्ड ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, जिससे आपको ये भी पता लग जाए कि सिर्फ पीयर टू पीयर इंटीग्रेशन नहीं है बल्कि कंटेनर एंड कंटेन्ड इंटीग्रेशन भी है। देखिए, सबसे छोटे लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं वो आती हैं आपकी फैमिली और वर्क प्लेस, जो कि सराउंडेड होती है एक सिटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सिटी भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उसके बाद आप उस पर डिस्ट्रिक्ट लगा सकते हो, इवन सिटी के अंदर भी आप वार्ड्स लगा सकते हो, और डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्शन को हम स्टेट बना देते हैं और स्टेट्स के कलेक्शन को कंट्री बना देते हैं और सारी कंट्रीज के कलेक्शन को हम बना देते हैं पूरा प्लेनेट अर्थ। ना, ये पूरा का पूरा प्लेनेट अर्थ बिना किसी फ्लॉ के चलता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बेस पे। अगर इसके अंदर की जो कंटेन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल से भटक जाती हैं तो उनकी हार्मनी, उनका जो है एनर्जी प्रोडक्शन का जो मार्ग होता है वो भटक जाता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने लगते हैं। तो आज अगर हम देखेंगे तो हम एक ऐसे दो राहे पे खड़े हैं जिनमें से हमको दो में से एक रास्ता चुनना है। या तो हम सत्य के रास्ते पे चलें सभी लोग मिलके, व्यक्ति से लेके पूरे विश्व तक, या हम गलत रास्ते पे चलें। तो अगर सही रास्ते पे चलेंगे तो हम
सत्युग का निर्माण करेंगे, गोल्डन एज का निर्माण करेंगे, और गलत रास्ते पे चलेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन कलयुग की ओर लेके जाएगा, डार्क एज की ओर लेके जाएगा। कुछ पैरामीटर्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ कलयुग और सत्युग के, जिससे आपको ये पता लग जाए कोई धार्मिक बात नहीं हो रही है, हिंदुइज्म की बात नहीं हो रही है, बल्कि इकोसिस्टम के क्वालिटी पैरामीटर्स की बात हो रही है। तो अगर उस एंगल से देखें तो गोल्डन एज में क्या क्या होता है वो देखते हैं। बूमिंग इकोनॉमी, हाईली कॉम्पिटेंट लीडरशिप पाइपलाइन, अबंडेंस ऑफ फूड एंड अदर रिसोर्सेज, मिनिमम डिजीजेस और नो डिजीजेस, हार्मनी बिटवीन पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन फेथ लैंग्वेज एंड कंट्रीज, एंड रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैटरिंग टू ऑल ह्यूमन नीड्स, कि हर एक ह्यूमन की हर एक नीड यहाँ पे पूरी हो जाए और उसका जीवन जो है प्लेनेट पे आने के बाद एक स्वर्ग की तरह उसको मिले, तो हम मानेंगे कि हम सत्युग पे पहुंच गए हैं। दूसरी ओर डार्क एज का मतलब क्या है? डूम्स डे फॉर इकोनॉमी, डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ लीडरशिप पाइपलाइन, स्कैरसिटी ऑफ फूड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अ सिक एंड इल सोसाइटी, डिसहार्मनी बिटवीन पीपल एंड चोक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटीज। अगर ऐसा हमने इकोसिस्टम बनाया तो हम कह सकते हैं हम लोग कलयुग के पास है। तो अगर अभी आप देखो तो हम लोग कलयुग के ज्यादा पास है, हालांकि बहुत सी कोशिशें पूरे वर्ल्ड वाइड हो रही हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कि वो सत्युग के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अब समय आ चुका है इसको कंक्लूसिवली कंप्लीट करने का, और उसकी विजन आज आपको इस प्रेजेंटेशन में मिल जाएगी। जो लोग सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स होते हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स लीड करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में होता है इसको सत्युग की ओर ले जाने का, और जो लोग सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स नहीं होते हैं वो लोग इसको कलयुग की ओर ले जाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि अगर सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स दुनिया को लीड कर रहे हैं तो वो गोल्डन एज बना रहे हैं, और नॉन सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स अगर उसको लीड कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो नेट नेट अगर इकोसिस्टम में नॉन सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स ज्यादा हैं तो हम डार्क एज की तरफ पुश किए जा रहे हैं, और अगर सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स सफिशिएंट मात्रा में हैं तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि अच्छी डायरेक्शन में और सत्युग की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। So, अब इस पूरे स्टेट को अगर हम एक स्नैपशॉट लेने की कोशिश करें कि अभी क्या हालत है, अभी अगर आप देखेंगे तो पूरा इकोसिस्टम जिसके चार पार्ट होते हैं, एजुकेशन, गवर्नेंस, बिजनेस एंड सर्विसेज, ठीक है, चार पिलर्स के अंदर ही वर्ल्ड के सारे प्रोफेशन आते हैं, या तो एजुकेशन में आएंगे लोगों को ज्ञान बढ़ाने में या स्किल बढ़ाने में, या गवर्नेंस में आएंगे ऑर्गेनाइज सिस्टम क्रिएट करने में और लीड करने में, या बिजनेसेस में आएंगे रिसोर्सेज को मैनेज करने में, या फाइनली सर्विसेज में आएंगे लोगों तक सेवा पहुंचाने के लिए। तो इस पूरे इकोसिस्टम की अगर आप हालत आज की डेट में देखें तो इसमें सारी समस्याएं अपने पीक पे पहुंच चुकी हैं, जैसे कि करप्शन, इन्फ्लेशन, रिच पुअर डिवाइड, क्राइम्स, रिसेशन, डिजीजेस, डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्लाइंड फेथ कस्टम्स, टेररिज्म, चोक्ड सिटीज, पॉवर्टी, कम्युनल डिसहार्मनी, वर्कर्स एंड सिटीजन्स डिसएंगेजमेंट एंड एजिटेशन, पॉल्यूशन, रिसोर्स का कम होना और क्लाइमेट चेंज, ये सब मिला के अपने अपने टिपिंग पॉइंट पे पहुंचने लगी हैं। टिपिंग पॉइंट वो स्टेट होती है जिसके बाद चीजें लीडर्स के हाथ से भी निकल जाती हैं, चाहे फिर उसके बाद वो सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स हो या सेल्फ रिलाइज मेंटर्स हो, एक बार अगर कोई चीज टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर गई तो वो कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में जब ये इश्यूज वर्ल्ड की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ नहीं बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा वो ये है कि करंट स्टेट ऑफ इकोसिस्टम इज गिविंग अस ए ग्रैंड अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अवर यूनिक लीडरशिप स्पेस, राइट, अपने अपने लीडरशिप स्पेस को बनाने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कैसे? कि कुछ पार्ट इन सारी समस्याओं में, कुछ पार्ट को हम ओनरशिप लेके एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बना के सॉल्व कर दें और लीड करें इसको वर्ल्ड।
और बिना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लीड ना करें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की डायरेक्शन में लीड करें, अदरवाइज हम भी उसका पार्ट बन जाएंगे जो कि इकोसिस्टम में प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा। तो ये समय आ गया है कि हम लोग इटर्नल प्रिंसिपल्स को जानते हुए सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होके इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम डेवलप करें। जैसा कि आयन रैंड ने कहा कि आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके ये तो सोच सकते हैं कि बिल्ली का खतरा टल गया, लेकिन उससे टलता नहीं है। वी कैन अवॉइड दिस रियलिटी, ये सत्य है, हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। एक ये छोटा सा ट्रेलर कोरोना वायरस के रूप में हमको मिल चुका है। बहुत से ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो बिल्कुल तैयार खड़े हैं और किसी भी समय मैनिफेस्ट हो सकते हैं। खुद यूनाइटेड नेशंस, जो इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपनी रिपोर्ट में ये कह दिया है कि 300 थ्राइविंग सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड मे पेरिश एंड मे सबमर्ज इन सी वाटर बिकॉज द सी वाटर लेवल इज राइजिंग। तो आज के भी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में भी ये है कि अंटार्कटिका में एक ही ग्लेशियर जो कि 3 मील डेप्थ है जिसकी, वो इतनी तेजी से पिघल रहा है कि अगर वो पूरा अकेला पिघल गया तो वो अकेला काफी है 10 फीट जो है सी लेवल को बढ़ाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि समस्याएं कितनी ज्यादा गंभीर हैं। तो जब जब ऐसा होता है तब तब जो इस पूरे ब्रह्मांड का क्रिएटर है वो शांत नहीं बैठता और ह्यूमन बींग्स को इंस्पायर करता है धर्म की स्थापना के लिए और फिर से सत्युग की स्थापना के लिए। तो ऐसा ही एक समय अब आ चुका है कि जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है, वो लोग जो सेल्फ रियलाइज्ड हो जाते हैं, गॉड के कंट्रोल में डायरेक्ट आ जाते हैं, वो लोग जरिया बनते हैं, निमित्त बनते हैं इस इकोसिस्टम को फिर से रिपेयर करने के लिए। तो ऐसा ही समय आया हुआ है और अगर हम इस अवतार वर्ड को स्वीकार कर सके तो अवतार का समय आ चुका है। और इस बार जो युग परिवर्तन होना है उसमें एक या दो अवतार की आवश्यकता नहीं है, कम से कम 6 लाख अवतार इसमें बनाने की आवश्यकता है। जब हम बात कर रहे हैं धर्म की बात कर रहे हैं और हमारे आसपास इतने सारे धर्म गुरु हैं, वो इतनी सारी बातें बता रहे हैं और कहीं ना कहीं धर्म गुरु की बातें भी हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी माया जाल में फंसे हुए हैं। ऐसे सिचुएशन में जब युग परिवर्तन की बात है तो किसकी सुनी जाए, क्या बात समझी जाए, वो एक हमेशा एक डायलमा रहता है। मैं तो गीता पढ़ने की कोशिश करती हूँ, समझने की भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी गीता है जो कभी भी कोई भी पूरी तरीके से कभी भी समझ नहीं पाएगा। बट एक ही हमेशा आसपास हम जैसे लोग तो ठीक है, पर और लोगों का क्या? हाँ देखिये, भगवद गीता को समझना सीधा आसान नहीं है। किसी भी ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस का डॉक्यूमेंट डायरेक्ट नहीं समझा जा सकता है, उसको आप सिर्फ एक सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति के सानिध्य में ही समझ सकते हैं। तो इसके लिए कहावत है कि ब्रह्म ज्ञानी की कथा और ब्रह्म ज्ञानी की व्यथा केवल दूसरा ब्रह्म ज्ञानी ही जान सकता है। इसका अर्थ यह है, अगर आपको ब्रह्म ज्ञानियों को जानना है तो आपको स्वयं ब्रह्म ज्ञानी बनना ही पड़ेगा, और इसी तरीके से अगर आपको ईश्वर को जानना है तो आपको ईश्वर बनना ही पड़ेगा। बिना ईश्वर बने ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। इसीलिए ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस की जो पुस्तकें होती हैं ये सीधी समझ में नहीं आती और ये किसी दूसरे सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति के साथ बैठ के ही समझी जा सकती है। तो ये इसमें गुरु को जो सिलेक्ट करने की बात है उसका पैरामीटर भी आज हम आपको दे देंगे, तो इसमें आपको पता लग जाएगा कौन से वो गुरु हैं और किस गुरु के कौन टारगेट ऑडियंस है। कई बार क्या होता है, हम गुरुओं को कुछ बोलते हुए कहते हुए देखते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि वो किस टारगेट ऑडियंस को कह रहे हैं। अगर वो लोअर लेवल पे इवॉल्व टारगेट ऑडियंस को कह रहे हैं तो वो अपनी टोन को थोड़ा लो करके ही उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा हाई लेवल पे उनको बोल देंगे तो उनको टारगेट ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी आप एक एक पैरामीटर आज देखेंगे कि किस लेवल के व्यक्ति को कौन से लेवल की कम्युनिकेशन चाहिए। तो एक कॉन्टेक्स्ट को सेट करने के बाद आप ये देखिए, ये जो सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये इसका मेन मंत्र है जो भगवद गीता में दिया गया था। कि कंडीशन क्या है इसमें, कि जब जब धर्म की हानि होगी, जहां जहां धर्म की हानि होगी वहां वहां मैं आऊंगा। तो इसका जो टेक्निकल मीनिंग है वो ये है कि व्हेनेवर पीपल और लीडर्स फॉल बिलो द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल, अ सेल्फ रियलाइज्ड योगी कम्स इनटू द पिक्चर, एस्टेब्लिश द राइटियसनेस और धर्मा।
तो इसका टेक्निकल मीनिंग ये है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, ये एक सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्तियों के द्वारा कही हुई एक कॉमन बात है कि जब जब धर्म की हानि होगी वो खाली नहीं बैठ सकते, दे हैव टू वर्क। तो मैं आपको बताता हूं ये युग परिवर्तन की साइकिल होती क्या है, कैसे ये आती है। देखिए, जिस तरह से दिन और रात का कोई प्रारंभ और अंत नहीं है, हर दिन के बाद रात आती है और हर रात के बाद दिन आता है, ये पूरा एक साइक्लिक है, ये साइकिल के रूप में चलता रहेगा अनंत काल तक, जब तक कि पूरी तरह से प्रलय नहीं आती पूरे यूनिवर्स की। तो ये तो हुआ दिन और रात का साइकिल। दूसरी साइकिल जो होती है वो होती है सीजन्स की साइकिल। जो ये 6 सीजन्स हैं, ये भी कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में आया इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि ये भी साइक्लिक है, इसका भी कोई छोर नहीं है। नाउ तीसरी साइकिल जो होती है वो युग परिवर्तन की साइकिल होती है और वो इस तरह से चलती है। ये युग परिवर्तन को आप ये समझ लीजिए, पूरे पृथ्वी पे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका जो कलेक्टिव चित होता है, सारे चित को अगर आपस में जोड़ दें तो वो जो उसकी जो क्वालिटी होती है उसके बेस पे युग डिसाइड होता है, ठीक है। और ये भी साइक्लिक है, सत्ययुग से इसको स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो, आप कलयुग से भी ले सकते हो। अगर आप डार्विन थ्योरी से जाएंगे तो 0% विजडम यानी कि पॉइंट नंबर 5 से इसकी शुरुआत ले सकते हो, और अगर वैदिक थ्योरी से जाएंगे तो कोऑर्डिनेट नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको आप स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि डार्विन की थ्योरी में प्रिंसिपल्स का समावेश कम है। और मतलब हमारे पास दोनों चॉइस है कि आप डार्विन की थ्योरी लें या फिर वैदिक थ्योरी लें, दोनों एक्सट्रीम्स पे खड़ी हैं। डार्विन की थ्योरी कहती है कि सिंगल सेल अमीबा से हम लोग बने और फिर एक सेल से सेल मल्टीप्लीकेशन होता रहा और फिर जो है मंकीज बने, एप्स बने, और उससे बनते बनते इंप्रूव होते होते फाइनली ह्यूमन बीइंग बन गए। तो उस बात में लॉजिक बहुत कम है, क्योंकि अगर उस लॉजिक को हम देखें तो हर एक मंकी को एक ना एक दिन ह्यूमन बीइंग बनना है, तो वो तो साइंस खुद भी रिजेक्ट कर चुका है। दूसरी ओर एक्सट्रीम थ्योरी जो जाती है वो जाती है वैदिक सिस्टम में कि प्रथम सृष्टि जो हुई ह्यूमन बीइंग्स की पूरी सिविलाइजेशन की वो दैवीय सृष्टि थी और उसके बाद मैथुनी सृष्टि यानी कि थ्रू रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग्स ने अपने आप को प्रोड्यूस किया। तो वो बात ज्यादा तर्क संगत लॉजिकल लगती है, क्योंकि कोई ना कोई डिवाइन पावर हम सबके ऊपर वर्क कर रही है, ये लगभग सभी लोग अपने अंदर जानते हैं, इवन अथीस्ट भी जानते हैं कि चाहे उसका नाम गॉड ना दो लेकिन कोई ना कोई एक पावर तो वर्क कर रही है। तो अगर उस बात को माने तो शुरू की जो सिविलाइजेशन है वो सतयुग से स्टार्ट हुई, जब 100% कॉन्शियसनेस लोगों के माइंड में थी। नाउ इस कॉन्शियसनेस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करना आवश्यक है, क्योंकि एक बार दैवीय सृष्टि हो गई तो उसके बाद तो मैथुनी सृष्टि से ही आगे बढ़ेगा। तो मैथुनी सृष्टि में जब ये आगे बढ़ेगा तो एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन को नॉलेज ट्रांसफर करना पड़ेगा, और ये हर डोमेन में करना पड़ता है, सिर्फ आत्मज्ञान की बात नहीं है। अगर एक एग्जांपल लें, आज की डेट में अगर हम पूरे वर्ल्ड में एयरक्राफ्ट को चलाने की ट्रेनिंग बंद कर दें, मतलब पायलट्स को ट्रेनिंग को टोटली बंद कर दें, तो अगले 30-40 साल में लोग पूरे ब्रह्मांड पे फ्लाइट चलाने की सिद्धि समाप्त हो जाए, ठीक है। तो किसी भी स्किल में आप ये बात लगा लीजिए, अगर वो सिद्धि डॉक्टर्स में लगा लीजिए, वकील में लगा लीजिए, आपने सबकी वो नॉलेज ट्रांसफर बंद कर दी तो वो अगली जनरेशन पे नहीं जा पाएगी। तो इसी तरीके से आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान को भी नॉलेज ट्रांसफर करना पड़ता है अगर मैथुनी सृष्टि से व्यक्तियों का जन्म हुआ, तो उसमें अगर कोई एरर आएगा तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो डिक्लाइन इन कॉन्शियसनेस होता जाए, और वहीं से इसकी शुरुआत होती है डिसेंडिंग सतयुग, कि जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गए, छोटे छोटे एरर्स मिलके वो आत्मज्ञान लॉस होता गया, कॉन्शियसनेस लॉस होती, और फिर ये पॉइंट नंबर 2 आया जहां पे जाके ये इतना लॉस हो गया कि फ्री फॉल होने लगा पूरे वर्ल्ड का, एक तरह से जो है पोलराइजेशन हो गया दैवीय शक्ति और आसुरी शक्तियों। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 जो आप देख रहे हैं इसको आप मान सकते हैं देवासुर संग्राम। इसके देवासुर संग्राम के बाद
जब हम त्रेता युग में एंटर हम लोगों ने किया सभी आत्माओं ने, तो ये डिक्लाइन करता 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 फिर से पॉइंट नंबर 3 के पास पहुंच गया, जहां जाके फिर से पोलराइजेशन हुआ और राम रावण युद्ध हुआ। राम रावण युद्ध के बाद 32 साल तक राम राज्य चला और एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करी गई और अश्वमेध यज्ञ भी किया गया, लेकिन डिक्लाइनिंग साइकिल नहीं रुकी और धीरे धीरे वो नॉलेज ट्रांसफर में एरर आते आते आत्मज्ञान की हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे पहुंच गए, डिसेंडिंग द्वापर युग के लगभग अंत पे। यहाँ पे आके वर्ल्ड का फिर से पोलराइजेशन हुआ और जो है पांडव और कौरवों का विश्व युद्ध हुआ। यहाँ पे आने के बाद फिर से डिवाइन इंटरवेंशन हुई कृष्ण के रूप में, यहाँ पे राम के रूप में, और यहाँ पे एक ऋषि है अपांतरतमा, आपने उनके बारे में कम सुना होगा, उनका यहाँ पे अवतार हुआ। अब हम 4 नंबर पॉइंट पे जब आए महाभारत के बाद, तो महाभारत के कुछ वर्षों के बाद कलयुग स्टार्ट हुआ। तो ये डिक्लाइन चलते 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 ये 5 नंबर पे जब हम पहुंचे तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि चारों तरफ एक तरह से डिक्लाइन ही डिक्लाइन था। तो यहाँ पे भी फिर से युग परिवर्तन की आवश्यकता हुई। यहां से लेके यहाँ तक की जो जर्नी हमने तय की है ये वैदिक काल है पूरा का पूरा। यहाँ पे वैदिक सिस्टम के अलावा दूसरे सिस्टम्स नहीं होते थे, वेदास के ही बाइफर्केशंस और इवोल्यूशन किसकी कितनी हुई है उसके बेस पे होता था, किसने कितना वेदास समझा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब वैदिक सिस्टम इतना कोलैप्स हो गया कि वैदिक रियलाइज्ड जो योगीज बनने बंद हो गए, तब वहां से एक तरह से नए धर्मों की और नए थॉट प्रोसेस की, कोड ऑफ कंडक्ट्स की, संविधानों की शुरुआत हुई और यहां से सभी धर्म पैदा होने शुरू हुए। तो जब हम 5 से 6 की जर्नी को तय करके अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ये लिखा है आपके यहाँ वी आर हियर। तो यहाँ पे सारी विजडम्स रिट्रीव तो हो गई हैं, पूरे वर्ल्ड में सारा ज्ञान आ चुका है, आत्मज्ञान भी इतना सरल भी होने लगा है कि आप गूगल कीजिए और किसी भी स्क्रिप्चर के श्लोक का डायरेक्ट मीनिंग भी देखिए और उसके ऊपर लिखी गई दूसरे लोगों की टिप्पणियां भी देख सकते हैं। लेकिन ये सारा का सारा फ्रेगमेंट हो गया है, ये सारा का सारा अलग अलग रिलीजन्स में, कॉन्स्टिट्यूशंस में फ्रेगमेंट हो गया है। इसी वजह से एक और अश्वमेध यज्ञ की आवश्यकता है। तो आज की डेट में जो अब अश्वमेध यज्ञ होगा, जिससे ये सारी विजडम्स डीफ्रेगमेंट की जाएंगी, वो प्राचीन काल की तरह एक घोड़ा दौड़ा के और युद्ध करके नहीं होगा, वो होगा एक विजडम के द्वारा, एक ज्ञान योग के द्वारा, जिससे सारी फिलॉसफीज आपस में जुड़ जाए। अगर ये फिलॉसफीज आपस में नहीं जुड़ेंगी तो ये आपस में लड़ पड़ेंगी और ये वापस पॉइंट नंबर 5 पे इकोसिस्टम आ जाएगा, ठीक है ना। जहां तक सवाल है दिन और रात की साइकिल का और मौसमों की साइकिल का, तो वो अपनी साइकिलिक उसमें अवस्था में चलते रहेंगे, लेकिन ये जो कॉन्शियसनेस साइकिल है, कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस की जो साइकिल है, ये रिवर्स भी हो सकती है। तो अगर पॉइंट नंबर 6 पे हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया तो ये रिवर्स होके यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और घोर कलयुग दोबारा से सेट हो जाएगा, फिर से जो है यूनिवर्स को अपने ह्यूमैनिटी को अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। सो टू अवॉइड दैट व्हाट वी नीड टू डू हियर इज वी नीड टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ देम इनटू अ यूनिफाइड थ्योरी, राइट। एंड दैट यूनिफाइड थ्योरी is nothing but code of citizens conduct, Rashtra Dharm book, which we will reveal in the later part of the session today. So yahan pe when we will be able to integrate all of them, then this cycle will continue to move towards 7, 8, and 1. So abhi 4th June 2025, with the precise date of 4th June 2025, we need to terminate this ascending dark age Kaliyug in India, so that India can enter into Dwapar Yug, and then in next 25 years, that is by 2050, the entire world will follow suit and all of us will come out of this dark age. Aur agar ye nahi hua, so consequences would be a complete collapse towards coordinate number 5. To ye kaise hai, kaise ek cycles banti hain, wo sab bhi we will discuss in detail in the further sessions, but abhi aap isko samajh lijiye. There are 5 levels of चित्त, ठीक है, आपने पतंजलि योग शास्त्र में भी पढ़ा होगा चित्त की 5 अवस्थाएं, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। जब मूड चित्त हो जाता है वर्ल्ड, तो वी रीच टू कोऑर्डिनेट नंबर 5। व्हेन द वर्ल्ड बिकम्स ईगो सेंट्रिक, देन वी रिमेन इन कोऑर्डिनेट नंबर 4 एंड 6।
When the world becomes emotion centric, then in the descending cycle, we are at coordinate number 3 and ascending cycle at coordinate number 7. When the world becomes ekagrachit, then we come to coordinate number 2 or 8. And when the world becomes niruddhachit, we achieve this coordinate number 1. ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कमिंग बैक टू द सोर्स, घर वापसी, सीइंग इट फ्रॉम द लेवल ऑफ योगा. एंड द डेफिनेशन ऑफ योगा इज दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, द ऑब्जर्वर इज लोकेटेड एट द राइट प्लेस. व्हेन द ऑब्जर्वर विद इन अस इज लोकेटेड एट द राइट प्लेस, देन यू कैन विटनेस द ट्रुथ, अदरवाइज यू विल विटनेस द इल्यूजन. सो ऑल डिपेंड्स फ्रॉम वेयर we are seeing it. So, इसी तरीके से जैसे बाकी दोनों साइकिल बिगिनिंगलेस और एंडलेस है, ये युगो की साइकिल भी अनादि अनंत है, बिगिनिंगलेस एंडलेस इटर्नल साइकिल ऑफ चतुर्युगी. इसको अगर आप स्पैरोबॉलिक फॉर्म में देखें तो ये आत्मा की जर्नी बताता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ चतुर्युगी साइकिल द सोल रिमेन्स इन सोल कॉन्शियसनेस. दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल इन सत्युग आर सेल्फ रियलाइज्ड and they can live up to 400 years of age. When the decline happens and they cross this boundary, then soul consciousness is lost and the people come into buddhi consciousness, that is mind consciousness. In this also, this is better than the other two, and hence the average age is 300 years. Then it further drops and enters into heart consciousness. Yeah. So heart consciousness mein aane ke baad, और डिक्लाइन अगर होता है तो जो चित्त है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में चला जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कलयुग. तो यहाँ पे एवरेज एज 100 इयर्स हो जाती है या उससे भी कम हो जाती है. तो इसको अब वापस हमने यहाँ पे उठाना है. तो अगर आप देखें हम इस जगह पे हैं अभी, ठीक है, तो इसको अब इस दोबारा इस स्क्रीन को देखिए कि इसमें इनकार्नेशन पॉइंट्स लिखे गए हैं कि स्टार्टिंग में व्हेन इट इज सत्युग देन एवरीवन इज गॉड, एवरीवन इज गॉड इनकार्नेटेड, वी एक्चुअली आर ऑल ऑफ अस आर गॉड्स. Right, God is manifesting in all of us in different forms. Right, if we realize that and attain the soul consciousness, then we will achieve oneness. Ekatmata hamari develop ho jayegi, kyunki sari milke 770 crore atmaen nahi hain, 770 chitt ke tukde hain, atma ek hi hai. Theek hai, aur yahan pe dekhiye incarnation of apantartama avatar. यहाँ पे राम अवतार, यहाँ पे कृष्ण अवतार, और यहाँ पे सभी धर्मों के फाउंडर्स के अवतार. और अब जिस अवतार को हमने प्रोड्यूस करना है 4 जून 2025 तक, उसका हमने डेजिग्नेशन रखा है चीफ योग ऑफिसर. इस चीफ योग ऑफिसर का क्या रोल होगा, अवतार का क्या रोल होगा, वो भी हम आज की प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करेंगे. ये आखिरी अवतार होगा, आखिरी प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक बार यूनिफाइड थ्योरी वाली बन जाएगी तो वर्ल्ड ऊपर ही जाता रहेगा और सीधा सत्युग पे जाके ही रुकेगा. उसके बाद वो साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाए. सो गोल्डन एज के लिए हमने जो इकोसिस्टम बनाना है उसका स्वरूप मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं. हालांकि वर्ल्ड की बहुत सारे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस इस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको भी आपस में जोड़ने की एक नीड है. जैसे अगर आप बात करें स्पिरिचुअल वर्ल्ड से लेते हैं कि अगर आज की डेट में भारत में 3 प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल गुरु के नाम लें, जग्गी वासुदेव, रामदेव, श्री श्री रविशंकर, ये 3 लोग ना सिर्फ इंडिविजुअली रियलाइज्ड सोल्स हैं बल्कि इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस भी खड़ी की है. इन्होंने दोनों बातें की हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि भी किया है और संघम शरणम गच्छामि भी किया है. तो इन लोगों को ने जो एनर्जी फील्ड क्रिएट की है लोगों को आपस में जोड़ के, वो एनॉर्मस है. ठीक है, बहुत बड़ी सिनर्जी है वो. लेकिन एक इमेजिन कीजिए कि अगर ये 3 लोग भी आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाएं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी फील्ड कितनी हाई होगी, उसका इन्फ्लुएंस कितना हाई होगा, वो आप अनुमान लगा सकते हैं. ऐसे ही पॉलिटिकल वर्ल्ड की अगर हम बात करें कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी हो, ये अपने अपने आप में एक सिनर्जेटिक फोर्सेज हैं, मोमेंटम है, एनर्जी फील्ड्स हैं. ठीक है, लेकिन ये देश के दूसरे लीडरशिप टैलेंट के अगेंस्ट में खड़ी. जो डेमोक्रेसी का डिजाइन है वो इस तरह से बना हुआ है कि एक लीड करेगा, एक अपोज करेगा और अपोजिशन पार्टी बनेगी. तो उससे क्या होता है, देश का लीडरशिप टैलेंट 5 साल के लिए आधा आधा बढ़ जाता है. आधा जो है क्रिएशन करता है और आधा उनका अपोजिशन करता है. अगर इनके बीच में भी सिनर्जी क्रिएट कर दी जाए और ये सारे मिलके अपोजिशन पार्टी होने की बजाय
एक रूलिंग पार्टी हो और बाकी सारी सपोर्टिंग पार्टीज बन जाएं, तो ये देश बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो उसको भी रिपेयर करने के लिए इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक सिनर्जेटिक सिस्टम बनाना जरूरी है। ऐसे ही इसको कंट्री लेवल पे लेके जाएं कि अगर आप चाइना, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन लोगों में सिनर्जी क्रिएट कर दें, तो आप देखेंगे कितनी बड़ी एनर्जी फील्ड जनरेट होती है। तो ये काम करने के लिए ही डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट्स का जन्म हुआ है। इन सब सिनर्जीज को पैदा करके एक गोल्डन एज इकोसिस्टम का शुरुआत करी जा रही है, जिसका नाम रखा गया है डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप। ये पूरा डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप क्या है, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। और इस पूरे इकोसिस्टम को दोबारा से बनाने के लिए इतना जो महान और बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका नाम भी बड़ा ही होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट युग परिवर्तन। और इस पूरी विजन को डॉक्यूमेंट कर दिया गया है कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट बुक में। आप डीवीसी की टीम के किसी भी मेंबर से बात करके आप इस बुक को प्रोक्योर कर सकते हैं। और जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, यूजर मैनुअल ऑफ ह्यूमन मशीन, और ये बुक एक ब्रह्मास्त्र है और आप इसको समझ सकते हैं अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। और इसमें इसको आप समझ सकते हैं फाउंडेशन ऑफ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें सभी धर्म, सभी रिलीजन, सभी लीडरशिप डॉक्ट्रिन्स अपने अपने आप को बेंचमार्क करके कि अभी वो कितना डेवलप हुए हैं इस बुक के बेंचमार्क के मुकाबले में, तो गैप एनालिसिस करके अपने अपने रिलीजन को कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट राष्ट्र धर्म में जोड़ दें। और इसके लिए उनको अपने अपने रिलीजन छोड़ने की जरूरत नहीं है, बिना छोड़े भी जोड़ा जा सकता है, ये इसकी खासियत है पूरे प्रोग्राम की। ठीक है, तो अब देखिए ये डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप यानी ये नया इकोसिस्टम क्या है, इसका मैं आपको एक क्विकली 5-10 मिनट में ग्लिम्स देता हूँ। ओके, सो देर आर 4 पिलर्स ऑफ आइडियल इकोसिस्टम डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप विच आर इटर्नल: एजुकेशन, गवर्नेंस, बिजनेसेस एंड सर्विसेज। सो ऑल दीज हैव टू बी रिपेयर्ड बाय क्रिएटिंग एनर्जी मोमेंटम्स टूवर्ड्स द आइडियल goals of all these four roles for these four pillars. So ये मैं आपको ये भी डिटेल भेज दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। In the interest of time, I am moving ahead. पूरा का पूरा social, physical, economic, political and environmental overhaul is called as Project Yug Parivartan. तो आप ये देखेंगे 2x2 kilometers की smaller governance units having the components of both rural and urban built into a localized environment is called as wisdom cities. तो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी एक चीज के ऊपर लगे हुए हैं, स्मार्ट सिटीज, राइट? सो स्मार्ट सिटीज से अब काम नहीं चलेगा, ठीक है? पूरा वर्ल्ड जो है, डेवलप्ड वर्ल्ड जो है, स्मार्ट सिटीज ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन देयर कार्बन फुटप्रिंट ऑन ओवरऑल इकोसिस्टम इज वेरी वेरी हाई। तो वही गलती जो वो कर चुके हैं वो हम रिपीट ना करें। लेट अस नॉट मेक स्मार्ट सिटीज, लेट अस मेक वाइज सिटीज। तो ये वाइज सिटीज का पूरा डिटेलिंग कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट बुक में है। अभी आप सामने जो देख रहे हैं ये एक लोकलाइज्ड अबंडेंट सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में रीडेवलपमेंट मॉडल है पूरे वर्ल्ड का। और इसमें न्यू सिटीज का भी प्रोविजन है और ओल्ड सिटीज को भी रिफॉर्म रिफर्बिश करने का भी है, सो दैट अपकमिंग नेचुरल डिजास्टर से लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बचाया जा सके। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं हर एक पिलर के, वो मैं क्विकली आपके सामने रख देता हूं। और हर एक कंपोनेंट के हमने नेमिंग करी हुई है और बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें डिबेट्स के द्वारा क्रिएट किए जाएंगे। तो कुछ कंपोनेंट्स हैं विजडम स्कूल्स, मार्शल आर्ट्स, योगा कोचिंग, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक अकेडमी एंड ऑल दिस स्टफ रिलेटेड टू एजुकेशन एंड पीपल्स डेवलपमेंट पिलर। देन कम्स गवर्नेंस पिलर, उसके भी सारे कॉम्पोनेंट्स एक लोकलाइज इन्वायरमेंट में आइडेंटिफाई किए गए हैं। उसके बाद बिजनेस पिलर, एक सोसाइटी को सिविलाइजेशन की जो 80% नीड्स हैं वो उसके 2x2 किलोमीटर के लोकलाइज्ड सिस्टम में इकोनॉमी में ही अवेलेबल होनी चाहिए। हमें यूनिवर्स का रजोगुण कम करना है, क्योंकि यूनिवर्स के रजोगुण बढ़ने की वजह से पूरे वर्ल्ड में पोल्यूशन फैलता है। और अभी आप देखेंगे कोरोना वायरस की वजह से पूरे वर्ल्ड का रजोगुण शांत होने लगा है। उस रजोगुण के शांत होने से इकोसिस्टम अपने आप को खुद ही रिपेयर करने लगा है। तो एक तरह से ईश्वर का इशारा भी समझ सकते हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मुझे फोर्सफुली तुम्हें सेटल करना पड़ेगा। तो ये वही सेटलमेंट हो रही है। प्रकृति के अंदर ये इनबिल्ट फीचर है कि आप सारा रजोगुण कुछ समय के लिए अगर रोक देंगे तो वो अपने आप को रिपेयर कर लेगी, और वही पूरे वर्ल्ड वाइड इस समय हो रहा है।
ऐसे ही सर्विसेज पिलर है, उसके भी सारे कॉम्पोनेंट आइडेंटिफाइड है, इसकी भी पूरी डिटेलिंग आप कोड ऑफ सिटीजन कंडक्ट में देख सकते हैं। इसके बाद आता है इस विजडम सिटीज के चारों ओर की पेरिफेरी, तो उसके चारों ओर की पेरिफेरी के भी कॉम्पोनेंट्स आइडेंटिफाइड हैं, जो कि इसको सीमलेस सर्विस डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलप करेंगे। फिर आता है इन एक विजडम सिटी के अराउंड की जो तीन सिटीज होंगी वो उसकी बड़ी सिटीज होंगी। सो ये बड़ी सिटीज जो होंगी ये एक दूसरे की पूरक होंगी। अभी क्या हो रहा है, हमने बड़ी सिटीज ऐसे डिजाइन की हुई है जो एक दूसरे के लिए हानिकारक है। जैसा कि आप देखें दिल्ली एनसीआर रीजन, उसकी प्लानिंग इस तरह से की गई है कि नोएडा गुड़गांव के ऊपर बोझ है, गुड़गांव दिल्ली के ऊपर बोझ है, दिल्ली नोएडा के ऊपर बोझ है। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर सिनर्जी क्रिएट करने की बजाय नुकसान क्रिएट कर रहे हैं। कुछ सर्विसेज अच्छी हैं जैसे मेट्रो हुई या एकादौर हुई जो सिनर्जी क्रिएट करती हैं इन सिटीज में, लेकिन उनके अलावा मैक्सिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि पूरी हैपजर्ड डेवलपमेंट के रूप में नजर आता है। तो विजडम सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एडजॉइनिंग सिटीज एक दूसरे की पूरक हो, एक दूसरे को काटे नहीं। ऐसे ही 24 विजडम सिटीज जो बनेंगी तो उसको हम एक विजडम क्लस्टर बोलेंगे। तो एक विजडम सिटी लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा, एक क्लस्टर लेवल पे बनेगा, और ऐसे 10 क्लस्टर मिलके एक विजडम स्टेट बनेगा। फिर स्टेट लेवल पे गवर्नेंस होगी, फिर ऐसे 10 स्टेट मिलके एक विजडम कंट्री बनेगी, फिर कंट्री लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और फिर यूनाइटेड नेशंस लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन होगी पूरे वर्ल्ड की सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट जो पहले कॉन्सेप्ट होता था उसका पर्पस यही होता था कि जो सारे कंपोनेंट्स हैं राज्यों के वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ विजडम सिटीज। 16 तरह की विजडम सिटीज को हमने इसमें एनविजन किया है, और भी हम डिराइव कर सकते हैं। और इसमें ये वाला अगर आप देखें कि एक फॉरेस्ट रिजर्व, हर एक क्लस्टर में एक 2x2 किलोमीटर का फॉरेस्ट रिजर्व होना चाहिए, सो दैट वी कैन को एग्जिस्ट विद अदर स्पीशीज। और ये चार जो नीचे आप देख रहे हैं टाइप 13, 14, 15, 16, ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की सिटीज हैं जिसके अंदर क्लस्टर लेवल एडमिन, स्टेट लेवल, कंट्री लेवल एंड वर्ल्ड लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो ये 16 तरह की जो सिटीज हैं, अगर ये पूरे वर्ल्ड में बना दी गई तो इस स्टेट को कहा जाएगा सत्ययुग। सत्ययुग इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, योगा ऑफ द वर्ल्ड और वननेस इन द वर्ल्ड, ये यूटोपियन विजन हमें सबको फॉलो करनी है। एक जन्मभूमि, एक कर्मभूमि, एक धर्मभूमि और एक फलभूमि। तो चारों तरफ से जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये पूरा सत्ययुग डेवलप हो गया। ठीक है, और इसके विजडम सिटीज के जो बेनिफिट हैं इनके भी बेनिफिट आईडीज हमने बना लिए हैं और भी इसमें ऐड किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए ये बेनिफिट्स हैं, और ये प्रोएक्टिव स्पिरिचुअल डिफेक्ट फिक्सिंग है जो कि इन विजडम सिटीज में लाए ही नहीं जाएंगे, और इन सब चीजों को हम प्रोएक्टिवली ही फिक्स कर देंगे, हम प्लेटर में ही नहीं देंगे लोगों को। तो प्लेटर में नहीं देंगे तो उनको विड्रॉल सिम्टम भी नहीं आएंगे, लोगों को ये नहीं लगेगा कि हमने उनसे कुछ उनके प्लेजर की चीज छीन ली है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसमें एनविजन किया गया है ये एक आइडियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको बनाना आसान है अगर हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लीडर्स हो। तो भारत में इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए हमें 6 लाख लीडर्स चाहिए, और पूरे वर्ल्ड में इसको बनाने के लिए 70 लाख सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाइज हमें इस टारगेट तक पहुंचना है, तो उसके लिए मैं आपको क्विकली सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स के बारे में बताता हूँ ये क्या होता है। ये इकोसिस्टम जो है, इनके ये जो 4 पिलर हैं, इसके 4 तरह के ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, वर्कर, मैनेजर, लीडर एंड मेंटर। ये 4 तरह के रिसोर्सेज आपस में एनर्जी फील्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, और इसमें लीडर्स की जो जॉब है वो है कि इस एनर्जी फ्लो को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाए, कि ये सारे लोग मिलके एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर सकें जो सत्ययुग की ओर लेके जाए। और ये मेंटर्स का काम है कि वो ये आइडियल विजन लीडर्स के माइंड में बार बार रिवील करते रहे। अगर वो इस कॉन्टेक्स्ट को लोगों को ठीक से नहीं बता पा रहे मेंटर्स, तो वो सिर्फ भगवान 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 बता के, भगवान बनने के बाद करना क्या है वो नहीं बता रहे। तो वो जो एक स्पिरिचुअल डिफेक्ट इंडिया में रहा वो ये रहा कि 4 एम्स होते हैं ह्यूमन लाइफ के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
धर्म का मतलब बुद्धि का पूरी तरह से डेवलप होना, सो दैट वो किसी भी मटेरियल के धर्म और अधर्म को समझ सके। अर्थ का मतलब कि मटेरियल मैनेजमेंट में हम लोग इस तरह से ऑप्टिमाइज हो जाएं कि मटेरियल मैनेजमेंट मोस्ट इफेक्टिव हो जाए। काम मतलब कि सभी लोग जो यहाँ पे पृथ्वी पे आए हैं इनको सात्विक प्लेजर्स सबके पूरे हों, किसी को यहाँ के लाइफ नीरस सी ना लगे। सात्विक रस अगर लोग इसमें से ले पाए तो इस तरह के प्लेजर क्रिएट करना और प्राप्त करना, ये भी ह्यूमन धर्म है। और मोक्ष मतलब अपनी अज्ञानता से मुक्ति। तो जो धर्म है वो नीड है बुद्धि की, अर्थ है वो नीड है मन की, काम जो है वो नीड है बॉडी की, और मोक्ष जो है वो नीड है सोल की। तो ये चारों ही डायमेंशन में जब ह्यूमन बीइंग्स पूर्णता लाते हैं तब जाके उसकी ह्यूमन लाइफ कंप्लीट होती है। तो डिफेक्ट यहाँ पे ये रहा कि कॉर्पोरेट ने पकड़ लिए अर्थ और काम, और गुरुओं ने पकड़ लिए धर्म और मोक्ष, जिसकी वजह से ये दोनों टूट गए। जबकि मेंटर्स का ये काम था कि ह्यूमन बीइंग्स को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों सिखाएं, ठीक है। तो वो चीजें ना सीखने की वजह से जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो मटेरियल से हेट करने लगे, जो मटेरियल लोग हैं वो स्पिरिचुअलिटी से हेट करने लगे। जबकि ईश्वर की तरफ से जो इटर्नल सिस्टम डिजाइंड है उसमें चारों ही आपको अचीव करने हैं। तो इस काम को करने के लिए सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स चाहिए, और ये सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स क्या होते हैं वो हम जानना शुरू करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज दैट स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस फ्रॉम वेयर अ पर्सन कैन टेक हाईली इफेक्टिव डिसीजंस एंड बिकम्स अ विजनरी थॉट लीडर। बाय डिजाइन ईच ह्यूमन बीइंग हैज सेम लेटेंट पोटेंशियल एंड इट कैन बी डेवलप्ड इन अ सिस्टमैटिक वे एज प्रिस्क्राइब्ड इन द वेरियस स्क्रिप्चर्स डेवलप्ड बाय पीपल ऑफ हायर कॉन्शियसनेस एरा। तो जो स्क्रिप्चर्स हैं, एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें पूरी डिटेलिंग है कि जो हमारा अव्यक्त पोटेंशियल है, लेटेंट पोटेंशियल है, हाउ टू डेवलप एंड मैनिफेस्ट दैट, ठीक है। बट कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम में वो हट गया है। जो आज का प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, कहीं पे भी सेल्फ रियलाइजेशन का कंटेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से जो हम बाय डिजाइन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सकते थे वो कुछ ही लोगों के बाय चांस अकम्प्लिश पे निर्भर हो गया है। कि बाय चांस कोई आइंस्टीन बन गया तो बन गया, बाय चांस कोई विवेकानंद बन गया तो बन गया, उसको बाय डिजाइन बनाने का जो गुरुओं के पास एक सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम, वो टूट गया। ड्यू टू दिस वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन देयर लाइफ, रिजल्टिंग इन टू अक्यूट शॉर्टेज ऑफ हाईली इफेक्टिव लीडर्स इन ऑलमोस्ट ऑल इंस्टीट्यूशंस टुडे। तो ये आज की सच्चाई है कि वैदिक सिस्टम में जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पाथ थे, करंट टाइम्स में वैदिक सिस्टम को हिंदू धर्म माने जाने लगा, जिसकी वजह से वो धर्मों में बट गया। और धर्मों में बढ़ने की वजह से ना तो मुस्लिम्स उसमें आगे आते हैं, ना क्रिश्चियंस आगे आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हिंदूज भी वेदों को ठीक से स्टडी नहीं करते, जिसकी वजह से एक रिलीजन सिस्टम शुरू हुआ रादर देन स्टडी सिस्टम, रिसर्च सिस्टम। तो जो हम पास्ट टाइम में जो लोगों को सुनते थे उनको हमने संत मान लिया, जबकि संत एक अलग चीज है और ऋषि मुनि ये सब अलग चीज है। मुनि, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, ये सब डेजिग्नेशन हैं, ये साइंटिस्ट हैं। ऋषि का मतलब आप समझ सकते हैं एसोसिएट साइंटिस्ट, ठीक है। महर्षि का मतलब समझ सकते हैं सीनियर साइंटिस्ट, फिर देव ऋषि का मतलब समझ सकते हैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट, और ब्रह्म ऋषि का मतलब आप समझ सकते हैं सुप्रीम साइंटिस्ट। तो ये सारे साइंटिस्ट डेजिग्नेशन थी, सारे लोग रिसर्चर थे। भारत रिसर्च प्रधान कंट्री था एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोसिस्टम टुडे। तो अब हमें इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑर्गेनाइज चार लेवल पे वर्क पे होता है। एक तो होता है विजन कि किस जगह में पहुंचना है, वो पहुंचाना काम होता है मेंटर्स का। फिर होता है मिशन, व्हाई वी नीड टू डू दैट, तो वो काम होता है लीडर्स का। फिर होता है स्ट्रेटेजी, जो कि काम होता है मैनेजर्स का, और उसके बाद एक्शन, जो कि काम होता है वर्कर्स का। तो इसी को एंशियंट स्क्रिप्चर्स में कहा गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और इसका जो करंट कॉन्टेक्स्ट में नाम है वो है वर्कर, मैनेजर, लीडर एंड मेंटोर। मेंटोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिशन, मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजी एंड वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन। ये चारों लेवल के लोग अगर गुण और कर्म के विभाग से बने हैं और अपने गुण के अनुसार वो कार्य को कर दें तो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम क्रिएट हो जाता है।
लोगों की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, क्योंकि अब ये सब हमें मिलके पूरे इकोसिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसमें किस किस तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी वो हम अब समझ लेते हैं कि लोगों की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उनका चित्त की अवस्था क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। चित्त की अवस्था और कुछ नहीं होती, पॉइंट ऑफ व्यू होती है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारे चित्त की अवस्था के कारण बनता है। तो अगर किसी व्यक्ति की चित्त की अवस्था नीचे है तो उसको कम विजन मिलेगी, अगर उसकी चित्त की अवस्था हायर है तो उसको ज्यादा विजन मिलेगी। तो जितनी बड़ी विजन होगी उतना बड़ा उसका काम करने का कारण बनेगा, और जितना बना काम करने का कारण बनेगा उतना प्रोफाउंड उसका इफेक्ट आएगा। तो क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन पार्ट नहीं है स्टडीज का, इस वजह से सबके चित्त की अवस्था लो चली गई और कुछ ही लोग सेल्फ रियलाइज और सेल्फ एक्चुअलाइज अवस्था में पहुंच पाए। तो अब हम इसको सबको रिवर्स करेंगे और इसको आज की भाषा में आज के तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं सामने वेरियस जोन्स ऑफ वर्किंग बेस्ड ऑन विजन। तो ये सारा जो ये पूरा आप मॉडल पिरामिड देख रहे हैं, ये हम सबकी नीड्स हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब सर्वाइवल से रिलेटेड नीड्स, ठीक है। अगर हमें ये अच्छे से नहीं पता है तो हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे अगर ये हमें पूर्ति नहीं हुई। उसके ऊपर आती है सेफ्टी रिलेटेड नीड्स। सेफ्टी रिलेटेड नीड्स भी अगर पूरी नहीं हो पाएगी तो भी हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। उसके ऊपर होती है नाइस टू हैव थिंग्स, दैट इज लव एंड बिलोंगिंगनेस, लोगों के साथ हमारा अफेक्शन, रिलेशन एंड वर्क ग्रुप, लव एंड केयर। उसके ऊपर जो फाइनल नीड्स होती हैं वो होती हैं स्वाभिमान की नीड्स, सेल्फ एस्टीम, जिसमें आता है कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, कॉम्पिटेंस, रिस्पेक्ट, स्टेटस, पावर, अथॉरिटी। उसके ऊपर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जहां पे आती है प्लेफुलनेस, ऑथेंटिसिटी, क्यूरियोसिटी, लैक ऑफ प्रिजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मॉरेलिटी। तो अब इस वाले ब्रैकेट को जरा ध्यान से देखते हैं क्योंकि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। प्लेफुलनेस मतलब कि बड़े से बड़ा महान कार्य चुटकियों में कर देना। ऑथेंटिसिटी मतलब जो भी बात बोले वो प्रमाणिक बोले। क्यूरियोसिटी मतलब कि हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके सेंसर्स इतने तेज हो जाएं कि वो कण कण में है झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो सूझ वाली आंख का मतलब यही है कि हमारी क्यूरियोसिटी लेवल हाई है। फिर आता है लैक ऑफ प्रिजुडिस। लैक ऑफ प्रिजुडिस का मतलब होता है हम अपनी धारणाओं के ऊपर जीवन ना जिए बल्कि अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स रखें। जब हम अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स रखते हैं तभी नया आइडिया हम असेंबल कर पाते हैं माइंड में। फिर आता है एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, मतलब जो तथ्य है उसको जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लेना, क्योंकि ह्यूमन माइंड तथ्य सामने आने के बाद भी स्वीकार नहीं करता है अगर चेतना लो हो। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कब आएगा? जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे पहुंचेंगे। और थिंकिंग ऑफ मोरालिटी की, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सेल्फ एस्टीम लेवल तक व्यक्ति ये सोचता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। सेल्फ एस्टीम लेवल तक वो सोचता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे जाके उस क्या सोचता है, यूनिवर्स के लिए क्या सही है क्या गलत है। और जब वो उससे भी ऊपर चला जाता है सेल्फ रियलाइजेशन, तो वहां जाके उसको अपनी आत्मा की नीड समझ में आती है। तो ये सारी डेवलपमेंट हर एक ह्यूमन बींग की होनी चाहिए, और किस कंट्री के कितने लोग किस ब्रैकेट में फंसे हुए हैं उसके हिसाब से उनकी कंट्री की सेहत का डेफिनेशन होती है, ठीक है। और इस मॉडल से पूरे वर्ल्ड की हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो अब आप देखिए जो हम बात कर रहे थे, जो जयरामन जी भी बोल रहे थे और गीतिका जी ने भी हिंट की, रोशनी जी ने भी इस पे बात बोली कि गुण और कर्म के विभाग के बेस पे हमारा वर्ण, हमारा एक्शन अपने आप ही डिफाइन हो जाता है। इस तरीके से इकोसिस्टम डिजाइंड है। तो देखिए आप, अगर किसी व्यक्ति का चित्त सिर्फ सिनेरियो पांच की, लेवल फाइव की फिजियोलॉजिकल नीड को ही देख पा रहा है तो व्यक्ति एक अच्छा वर्कर भी नहीं है, इनइफेक्टिव वर्कर है, क्योंकि वो सर्वाइवल मोड में है। अच्छा वर्कर बनने के लिए उसकी चेतना कम से कम सेफ्टी लेवल तक पहुंची होनी चाहिए। अगर वो इससे आगे डेवलप नहीं हो पाएगा तो चाहे ब्राह्मण के घर में जन्म ले ले या क्षत्रिय के घर में जन्म ले ले, वो खुद तो शूद्र ही रहेगा, क्योंकि गुण और कर्म के विभाग के अनुसार ही क्लासिफिकेशन की गई थी। जो व्यक्ति लव एंड बिलोंगनेस में जाके फंस जाते हैं, उसकी वीकनेस को फील करते हैं, वो लोग वर्कर तो अच्छे बन जाते हैं पर मैनेजर अच्छे नहीं बन सकते। आप उनको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए व्यक्ति का लेवल टू सेल्फ एस्टीम तक डेवलप होना आवश्यक है, तब जाके वो इफेक्टिव मैनेजर बनता है। लेकिन लीडर बनने के लिए यहां तक भी सफिशिएंट नहीं है। लीडर बनने के लिए व्यक्ति को आउट ऑफ द बॉक्स होना पड़ता है। तो सबसे पहले उसको इस बॉक्स को तोड़ना पड़ता है, सेल्फ एस्टीम के बॉक्स को, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बॉक्स में एंटर करना पड़ता है।
लेकिन सेल्फ एक्चुलाइजेशन के बॉक्स में एंटर कर जाने से बाकी सब चीजें तो ठीक हो जाती हैं, आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है, क्यूरियस हो जाता है, मॉरलिटी लेवल हाई होने लगती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन सही दिशा क्या है इसका सही सही अनुमान यहां तक भी व्यक्ति नहीं लगा सकता। उसके लिए व्यक्ति को कम से कम यहां तक पहुंचना पड़ता है, तब जाके वो व्यक्ति इफेक्टिव लीडर बनता है। क्योंकि लीडर का काम दिशा निर्देश देना है, अगर वो खुद ही गलत दिशा में है तो दूसरे को जो दिशा निर्देश दे रहा है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, लीडर बनने के लिए यहां तक सफिशिएंट है, लेकिन मेंटर बनने के लिए, ब्राह्मण बनने के लिए यहां तक भी सफिशिएंट नहीं है। ब्राह्मण वही व्यक्ति है जिसको ब्रह्म ज्ञान है, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है वो भ्रम ज्ञान में है। या तो हमें ब्रह्म ज्ञान हो सकता है या हमें भ्रम ज्ञान हो सकता है, या तो हमारे पास विजन हो सकती है वरना हमारे पास इल्यूजन हो सकती है, यही दो चीजें होती हैं। तो जो व्यक्ति यहां तक ही डेवलप्ड है और वो प्रीचिंग करने लग जाए, वो गुरु बन जाए, जो कि कोई पूछ रहा था कि गुरु लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, तो अगर कोई सिर्फ ट्रांसेंडेंटल नीड्स में घुसने के बाद गुरु बन जाएगा तो वो पूर्ण गुरु नहीं बन सकता, वो बनने के लिए पूर्ण ब्रह्मज्ञानी होना जरूरी। तो अगर यहाँ पे मेंटर गलत हो गया तो नीचे के सारी हायरार्की टूटने लगती है, और यही इस देश के साथ और विश्व के साथ हुआ है कि जो लोग ब्रह्मज्ञानी नहीं है उन्होंने प्रीचिंग शुरू कर दी, तो वो रैशनल तरीके से, लॉजिकल तरीके से लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन करा नहीं पाए, जिसकी वजह से आज हम समाज इस लेवल से गुजर रहा है। तो ये तब जाके इफेक्टिवनेस आती है। अब आप देखिए, जिस व्यक्ति को व्हाट, हाउ, व्हाई और हु कुछ भी नहीं पता, वो तो मूड है, इग्नोरेंट है, तो वो कोई कार्य नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को कम से कम ये पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, चाहे उसे प्रोसेस ना पता हो, रीजन ना पता हो और विजन ना हो उसके पास, तब भी वो एटलीस्ट इफेक्टिव वर्कर बन सकता है। इफेक्टिव मैनेजर बनने के लिए व्हाट के साथ साथ पूरा का पूरा हाउ जानना भी जरूरी है, चाहे व्हाई और हु अच्छे से ना जानता हो। लेकिन लीडर बनने के लिए हर क्षण व्हाट, हाउ और व्हाई पे नजर होनी आवश्यक है। अगर हर क्षण व्हाई पे नजर नहीं है तो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है और इफेक्टिव लीडर नहीं बन पाता। उसको कॉन्शियस होना पड़ता है, उसको सचेत होना पड़ता है, उसको संप्रज्ञात समाधि तक डेवलप होना पड़ता है, उसको एकाग्रचित होना पड़ता है, उसको ध्यान अवस्था में रहना पड़ता है, तब जाके वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। और मेंटर बनने के लिए इतना भी सफिशिएंट नहीं है, मेंटर बनने के लिए ब्रह्मज्ञानी ही बनना पड़ता है, सुपर कॉन्शियसनेस ही रखनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से गुण और कर्म के विभाग पे हम लोगों की रचना जो है, सृष्टि की रचना जो है, ईश्वर ने की हुई है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जन्म पे आधारित रोल नहीं होता, रोल जो है गुण और कर्म पे आधारित होता है। तो ये सारा ह्यूमन रिसोर्स हमें ठीक करना पड़ेगा इस प्लेनेट का, और उसको ठीक करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम हमने रखा है सेल्फ एक्चुअलाइज लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो क्या करता है, करंट जितनी भी किसी की चेतना डेवलप हुई है उसको समझता है और मैक्सिमम कितनी डेवलप हो सकती है उसको समझता है और उस गैप को भर देता है। क्योंकि अगर इफ अ पर्सन अंडरस्टैंड्स द प्रोसीजर टू डेवलप एंड रिटेन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट मोस्ट पार्ट ऑफ द डे, पूरे दिन में सेल्फ एक्चुअलाइज अवस्था से वर्क कर रहा है, देन ही बिकम्स अ पावर हाउस ऑफ जनरेटिंग ग्रेट रिजल्ट्स इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ लाइफ। उसी के लिए SLDP प्रोसेस बनाया गया, बाय सिनर्जाइजिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ वेरियस थॉट लीडर्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एरास so as to develop the full potential of the training participants, thereby substantially improving their personal and professional lives through a clearly laid out plan. And it's a research outcome of deep research and presents the eternal principles in a format never presented by anyone in this creation cycle. So SALDP is prithvi pe, is samay wo cheez hai, jo pure prithvi pe is puri chaturyugi cycle mein kisi ne nahi banai. Kabhi bhi nahi bani. Even वैदिक पीरियड में जो सिस्टम्स बने हुए थे उसका भी इस लेवल तक इसका डिजाइन नहीं था जो अब हुआ है। तो अभी आप उसको धीरे धीरे स्क्रीन पे देखते जाएंगे कि जो वेदों में भी नहीं है वो भी SALDP में है। इट इंक्लूड्स एक्सटेंसिव विजुअल मॉडल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस विच इवन एक्सटेंड्स द मॉडल ऑफ ओरिजिनल सेल्फ एक्चुअलाइज्ड एंड सेल्फ रियलाइज्ड थिंकर्स टू अ न्यू लेवल। तो क्योंकि हमें आइडियोलॉजी डिफ्रेगमेंटेशन करना है, क्योंकि हमें विजडम डिफ्रेगमेंटेशन करना है, सारे वर्ल्ड की विजडम को आपस में जोड़ना है, तो आप किसी भी फिलोसफर्स, किसी भी ज्ञानी, किसी भी ऋषि की अब आप आउटकम को आप लेके अगर सामने ले आएंगे तो वी कैन इंटीग्रेट दैट इनटू SALDP। क्योंकि जब व्यक्ति उच्च चेतना अवस्था में होता है तो उनके थॉट प्रोसेस में दूसरे उच्च चेतना में पहुंचे व्यक्तियों की थॉट प्रोसेस से ज्यादा फर्क नहीं होता, तो उन बातों को वही व्यक्ति समझ सकते हैं जो वहां तक पहुंच चुके हैं। तो SALDP उन सबको आपस में जोड़ता है, आप किसी भी बैकग्राउंड से लेके आ जाइए।
सो किसी भी डिफिकल्ट अवस्था में आप जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल से कर्म कर सकते हैं वहां का मार्ग ये SELDP दिखाता है। और इसका पूरा जो रोड मैप है वो इस तरह से है, एंट्री इनटू SELDP, उसके बाद इसको चार भागों में डिवाइड किया गया। पहले हु बताया गया एक दिन में, फिर वाई बताया गया दो दिन में, फिर हाउ बताया गया दो दिन में, और फिर व्हाट बताया गया चार दिन में। इस तरह से ये 9 दिन के प्रोग्राम में व्यक्ति को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पर पहुंचाया जाता है और इस कंट्री के एक रिसोर्स पूल में उसकी एंट्री हो जाती है जहां पे सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजिंग लोग ही हैं। तो जैसे आपने युग परिवर्तन के बीज मंत्र को देखा, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, तो जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है, एक्चुअलाइजेशन की डेवलपमेंट वाला पार्ट है SELDP, ये आज की डेट का परित्राणाय साधु नाम है। और जो इसके बाद प्रोग्राम आता है APIPP, वो विनाशाय च दुष्कृताम है, कि उसमें हम इस बढ़ी हुई एनर्जी को, यूनिवर्स की नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करने में प्रयोग करें। तो दोनों का प्रोविजन प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में दिया गया है। इंडिया को 6 लाख सेल्फ एक्चुअलाइज्ड चेंज लीडर्स की जरूरत है और उसके लिए 600 सेल्फ रियलाइज्ड गुरुज बनाने की आवश्यकता है 2025 तक। तो उस प्लान पे भी हम वर्क कर रहे हैं, उसका पूरा कंप्लीट डिटेल्ड बिजनेस प्लान सब कुछ तैयार हो रहा है। और वर्ल्ड को चाहिए 70 लाख सेल्फ एक्चुअलाइज्ड चेंज लीडर और उसके लिए चाहिए 7000 एक तरह से ब्रह्म ऋषि या फिर गुरु जो कि उसको क्रिएट कर सकें 2050 तक। तो इतनी हमारी एक ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है। वर्कर और मैनेजर्स को उतना रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप ही उनकी दिशा ठीक हो जाएगी अगर लीडर्स की दिशा ठीक हो गई। इसको करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 5 हैं, डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट्स, डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप, डिफाइंड वैल्यूज ट्रस्ट, प्रोजेक्ट युग परिवर्तन फाउंडेशन और डिफाइंड वैल्यूज पब्लिशर्स। तो इनका क्या क्या रोल है वो मैं आपको नटशेल में बता देता हूँ। डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट्स का काम है कि अपने आप को विश्व गुरु कंपनी के रूप में स्थापित करें और 4 रिसोर्सेज पैदा करें, डिफाइंड वैल्यूज ट्रेनर्स नेटवर्क, डिफाइंड वैल्यूज बिजनेस नेटवर्क, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लीडरशिप नेटवर्क एंड सेल्फ रियलाइज्ड मेंटरशिप नेटवर्क। सेल्फ रियलाइज्ड मेंटरशिप नेटवर्क गुरुओं का नेटवर्क है जो कि राजगुरु का काम करेगा नए वर्ल्ड ऑर्डर में। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लीडरशिप नेटवर्क नया गवर्नेंस सिस्टम है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को और कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को, इन सबको रिप्लेस करके एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। डिफाइंड वैल्यूज बिजनेस नेटवर्क वैश्य वर्ग को आपस में जोड़ने के लिए एक बिजनेस नेटवर्क है। एंड डिफाइंड वैल्यूज ट्रेनर्स नेटवर्क वर्कर्स को नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार करने के लिए ट्रेनर्स का नेटवर्क है। तो ये 4 ह्यूमन रिसोर्सेज जो डेवलप किए जाएंगे ये युग परिवर्तन में काम करेंगे और डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप इकोसिस्टम को डेवलप करेंगे। तो जो नया इकोसिस्टम है उसका नाम है डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप। ये चारों नेटवर्क मिलके इन 4 पिलर्स को फिक्स कर देंगे। फिर है डिफाइंड वैल्यूज ट्रस्ट जो 5 सर्विसेज को फ्री कर देगा वर्ल्ड वाइड, वो है स्कूल्स, ऑर्फनेज, हॉस्पिटल्स, सिंगल वुमेन होम एंड ओल्ड एज होम। ये 5 सर्विसेज को अगर आपने लोगों के एक एवरेज यंग पॉपुलेशन के कंधों से इसका बोझ उतार दिया तो वो जी भी पाएंगे और जो है समाज स्वस्थ रहेगा। अभी क्या होता है 60-70% जो है कॉस्ट जो है एक व्यक्ति की इन्हीं 5 सर्विसेज में समाप्त हो जाती है। दीज 5 सर्विसेज शुड बी द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बेस पे उस सर्विस की क्वालिटी उसको नहीं मिलनी चाहिए, ये उसका हक होना चाहिए। पढ़ने का हक, अगर ऑर्फन हो जाए तो उसके सपोर्ट सिस्टम का हक, बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल का हक, और अगर सिंगल वुमेन है तो स्पेशल सिक्योरिटी चाहिए होती है वुमेन को तो उसका हक, और बुजुर्ग अवस्था में एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे उसका हक। अगर ये 5 चीजें आपने लोगों के कंधे से बोझ उतार दिया तो सबकी लाइफ जो है स्वस्थ होने लगेगी। फिर आता है प्रोजेक्ट युग परिवर्तन फाउंडेशन जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर में जितनी भी समस्याएं हैं उनमें जो जो एनजीओ आपस में काम कर रही हैं उनको आपस में जोड़ के नेटवर्क तैयार करेगा। और 5वीं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है डिफाइंड वैल्यूज पब्लिशर्स जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से डेवलप करेगी। तो उसमें 4 बुक्स तो आती हैं, कोड ऑफ सिटीजन कंडक्ट वॉल्यूम 0, 1, 2 एंड 3, फिर आती है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, साइंटिफिक मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ये इस बुक में एक्सप्लेन किए जाएंगे। फिर आती है भगवत गीता फॉर आईटी जनरेशन। भगवत गीता पिछले प्रोजेक्ट युग परिवर्तन का डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें नए प्रोजेक्ट युग परिवर्तन के लिए सारा जो विजन है वो कोडिफाइड की गई है, वो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, हमें सिर्फ उसको डिकोड करना है और वो हम कर रहे हैं। फिर आता है SOP फॉर विजडम सिटीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स टू क्रिएट एंड गवर्न विजडम सिटीज, ये जो है आपका SOP में आएगा।
और फाइनली ऑटोबायोग्राफी मेकिंग ऑफ अ चीफ मेंटर, विश्व गुरु कैसे बना जाए उसका मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसका एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा, सो दैट आने वाले टाइम पे जब तक हम सत्युग तक नहीं पहुंच जाते विश्व गुरुओं की देश को कमी, वर्ल्ड को कमी ना हो, जो उस विजन के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बन सके वो लोग इस लेवल तक पहुंचे, कैसे पहुंचे वो पूरा इसमें मार्ग दिया जाएगा। फिर आते हैं डिफाइंड वैल्यूज ट्रस्ट पे। डिफाइंड वैल्यूज ट्रस्ट को धन कहां से मिलेगा जिससे कि वो 5 सर्विसेज को फ्री करे, वो आप देखिए, मनी डिपॉजिटेड इन ऑल रिलीजियस प्लेसेस इन गॉड्स अकाउंट, मनी डिपॉजिटेड इन ऑल स्पिरिचुअल मिशंस विल आल्सो कम इनटू डिफाइंड वैल्यूज ट्रस्ट, डोनेशन गिवन बाय फिलैंथ्रोपिस्ट विल आल्सो कम इनटू डिफाइंड वैल्यूज ट्रस्ट, स्मॉल मंथली डोनेशन बाय एम्प्लॉइज ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर पार्ट ऑफ डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप, मनी डोनेटेड टू एनजीओज एंड अदर ट्रस्ट, गवर्नमेंट की एड एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट, ये सारा का सारा मिलकर डिफाइंड वैल्यूज ट्रस्ट का फंडिंग करेगा। और 4 जो की पोजीशंस हैं, जो 4 योगी ईश्वरीय प्लान से, कॉस्मिक प्लान से इस पृथ्वी पे आए हैं, उनके बारे में भी आपको बता देता हूं रोल, वो आप भी वो रोल प्ले कर सकते हैं अगर आप अपने आप को उस लेवल तक एलिवेट कर लें। वो क्या है, जो गॉड का माइंड है वो 4 पार्ट में सेक्शन किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दैवीय सृष्टि, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये आज की डेट में हिंदू साउंडिंग हो जाते हैं तो इसलिए इनके न्यू नेम्स जो किए गए हैं वो ये हैं, ऋग्वेदा का डिफाइंड वैल्यूज, सामवेदा डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यजुर्वेदा डिफाइंड बेनिफिट्स एंड अथर्ववेदा डिफाइंड वेलफेयर्स। इनको गवर्न करने के लिए जो कॉन्शियसनेस 4 योगियों के ऊपर लगातार प्रसारित की जा रही है कॉस्मिक प्लान से, वो रोल्स हैं चीफ योग ऑफिसर, चीफ कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफिसर, चीफ बेनिफिट्स ऑफिसर एंड चीफ हेल्थ ऑफिसर। ये 4 लोग उन 4 पिलर्स को फिक्स करेंगे एंड देन भारत जो है इन 4 पदवियों को दोबारा प्राप्त कर लेगा, विश्व गुरु भारत, विश्व सम्राट भारत, सोने की चिड़िया भारत और विश्व कल्याणकारी भारत, और इन 4 चीजों से मिलकर जो बनेगा वो है डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप। तो ये पूरा कॉस्मिक प्लान अनफोल्ड हो चुका है, बहुत सी आत्माएं अवतार लेके पृथ्वी पे आ चुकी हैं, आप में से भी बहुत लोग अवतार लेके ही यहाँ पे आए हैं लेकिन भूल गए हैं, तो उसको याद दिलाने के लिए आपको ऐसे LDP प्रोसेस से गुजारा जाएगा जिससे आपको अपनी दिव्यता का अनुमान लग जाए और आप क्यों आए हैं इस पृथ्वी पे वो आपको पता लग जाए। जब सिविलाइजेशन आपस में ऑर्गेनाइज होती है तो धीरे धीरे डोमेन्स की नॉलेज हमारी स्टैंडर्डाइज होने लग जाती है, तो आज की डेट में भी 40 ऐसे डोमेन हैं जिनकी नॉलेज आपस में ऑर्गेनाइज हो चुकी है। इन सारे सेक्टर स्किल्स को ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अलाइन करने के लिए ये सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लीडर्स की पूरी आर्मी जो है उसको कन्वर्ट करेगी। एंड व्हेन आई से आर्मी डजंट मींस आर्म्ड पीपल, आर्मी मींस ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु आर अटेनिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल। तो ये लोग मिलके क्या करेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी अभी बने हुए हैं उनको आपस में जोड़ के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर लेके आएंगी। तो इसको लीड करेंगे चीफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफिसर। फिर इसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ एनजीओज एंड पॉलिटिकल पार्टीज विद डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप, ये करेंगे चीफ बेनिफिट्स ऑफिसर। फिर प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप में लाने के लिए चीफ हेल्थ ऑफिसर, और सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में जोड़ने के लिए चीफ योग ऑफिसर, जो कि एक तरह से सबसे बड़े अवतार जो है इस युग परिवर्तन में साबित होने वाले हैं। फिर इन 4 पिलर को आपस में जोड़ने का काम भी चीफ योग ऑफिसर का है, इन 4 योगियों की योग शक्ति को भी आपस में जोड़ के डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप में लाया जाएगा। और ये रहा फेज 1 जिसमें भारत को विश्व गुरु, विश्व कल्याणकारी, सोने की चिड़िया और विश्व सम्राट बनाया जाएगा। उसके बाद जब दूसरी कंट्रीज भी पहचान जाएंगी कि हमारा ओरिजिन भी भारत है, हमारा ओरिजिन भी वेद है और हमें भी वेदों की ओर वापस मोड़ना है, और वो उस फॉर्म में फिर से प्रकट हो गए हैं जो फॉर्म हमें कंटेम्प्रेरी सिस्टम के हिसाब से समझ में आ सके, तो दूसरी कंट्रीज भी धीरे 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 जैसे यूनाइटेड नेशंस में जुड़ी हैं वो यूनाइटेड भारत में भी जुड़ने लगेंगी। तो यूनाइटेड भारत नाम से हम एक नई एंटिटी का सृजन करेंगे जिसमें सारी कंट्रीज धीरे धीरे आपस में फेज 2 में, यानी कि 2025 से 2050 तक ये आपस में जुड़ जाएं। मैं जल्दी से आपको पहले व्हाट इज इन इट फॉर यू, आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो सारे फीचर्स आपको बता देता हूं, क्योंकि एक बार ब्रीफ में नटशेल में ही बताया जा सकता है, डिटेलिंग करने के लिए तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग इसमें जुड़ना ही होगा। तो अभी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि सारी इकोसिस्टम को डायग्नोज कर लेने के बाद
ये पता लगा कि इन 10 पाथ के द्वारा हम लोगों को सिस्टम में जोड़ सकते हैं और किसी भी एक पाथ को पकड़ के व्यक्ति प्रोजेक्ट युग परिवर्तन का पार्ट बन सकता है। तो वो क्या है वो देख लेते हैं। एंट्री पॉइंट पे हमने ये रिफाइनमेंट प्रोसेस लगाया हुआ है SALDP, तो ये एक तरह से फिल्टरिंग सिस्टम है क्योंकि भांति भांति के वचनों से सुन के लोग अलग अलग तरह की विचारधाराएं लेके सिस्टम में आएंगे। उन विचारधाराओं को अगर हम ट्यून करके एक मोनोटोन नहीं बनाएंगे, देयर इज ऑलवेज अ बेनिफिट ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन बट एट द सेम टाइम देयर इज अ बेनिफिट ऑफ वननेस इन ओपिनियन। तो वननेस ऑफ ओपिनियन तब बनेगी व्हेन वी स्मूदन द रफ एजेस ऑफ द पीपल एंड फिक्स देयर ब्लाइंड स्पॉट्स। अगर उनके ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं भरे गए और उनको वननेस के उस पर नहीं लाया गया तो जो सिनर्जी बनेगी सिस्टम में वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नहीं बन पाएगी। तो इसलिए गेट पे SALDP है। SALDP करने के बाद व्यक्ति पाथ नंबर 9 ले सकता है, मतलब कि वो यहां से सीख के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पाथ पे आके बिना डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप को ज्वाइन किए सिस्टम से बाहर जाके भी समाज का उत्थान कर सकता है। अगर व्यक्ति ये चाहे कि मुझे इस रिसोर्स पूल में ऐड होना है जहां पे सारे SALDP ग्रेजुएट्स हैं और आपस में नेटवर्क्ड है, तो उनके लिए ये 4 नेटवर्क्ड पाथ हैं, 8, 7, 6 और 5। 8 में है डिफाइंड वैल्यूज ट्रेनर्स नेटवर्क। तो अगर कोई व्यक्ति SALDP करके ट्रेनर बनता है या ऑलरेडी ट्रेनर है तो उसको डिफाइंड वैल्यूज ट्रेनर्स नेटवर्क के सारे फीचर्स सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर वो बिजनेसमैन है एंटरप्रेन्योर है या मैनेजर है तो उसको डिफाइंड वैल्यूज बिजनेस नेटवर्क की मेंबरशिप दे दी जाएगी। अगर वो लीडर वाले पाथ पे अपने मिशन को यहाँ होस्ट करना चाहता है तो उसको SALN की मेंबरशिप मिलेगी और इसके सारे बेनिफिट्स और फीचर्स उसको मिल जाएंगे। और अगर वो आइडियोलॉजी डिफ्रेगमेंटेशन में शास्त्रार्थ का पार्टिसिपेट बनना चाहता है तो सेल्फ रियलाइज मेंटरशिप नेटवर्क का भी उसको मेंबर बना दिया जाए। इन चारों नेटवर्क की अपनी अपनी फोरम्स हैं, अपने अपने ज्ञान प्रदान करने के तरीके हैं, वो भी इसमें मैं भी आपको क्विकली बताता हूँ। नाउ ये लाखों लोग जो यहाँ पे आ जाएंगे इनको गवर्न करने के लिए और इनके द्वारा पूरे वर्ल्ड को गवर्न करने के लिए जो पाथ है वो एक एडिशनल ट्रेनिंग है जिसका नाम है एक्चुअलाइज पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस प्रोग्राम। तो उसके भी 4 लेवल हैं, Level 3, 2, 1 and 0। जो व्यक्ति Level 3 कर लेता है वो PYP में वर्कर बन जाता है, PYP इज प्रोजेक्ट युग परिवर्तन। जो Level 2 कर लेता है वो प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में उसको मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती हैं। जो Level 1 कर लेता है उसको प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में लीडर बना दिया जाता है और अगर वो Level 0 भी कर लेता है तो उसको राजगुरु बना दिया जाता है। तो ये पाथ हो गए 4, 3, 2 और 1। और जो सबसे ऊपर का पाथ है उसके लिए एक और एडिशनल ट्रेनिंग दी जाती है जिसका नाम है सेल्फ रियलाइज मेंटरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ब्रह्म ज्ञानी बनाने की प्रक्रिया जिससे कि वो दूसरे सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स तैयार कर सके। वो है पाथ नंबर 0 जिसमें उसको प्रोजेक्ट परिवर्तन में एक विश्व गुरु की उपाधि मिल जाती है। तो ये सारे पाथ में 10 पाथ के अंदर अंदर पूरी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट और पूरा प्रोजेक्ट परिवर्तन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसमें मैं क्विकली आपको बताता हूं कि इनके मीनिंग क्या है। SALDP में जब 2 दिन की वर्कशॉप होती है डिजाइन योर फाइनल मिशन और प्रोजेक्ट योर फाइनल मिशन, तो उसमें व्यक्ति को 4 डायमेंशनल मिशन दिया जाता है। तो अगर उसका SALN मेंबर और या एक्सटर्नल मिशन पे काम करने का मन है तो उसको एल्यूमिनस पाथ हम देते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट परिवर्तन में कार्य करना चाहता है तो उसको प्रोजेक्ट परिवर्तन का पाथ दे देते हैं। तो इस तरीके से उसको अपनी मिशन को प्रोजेक्ट परिवर्तन के साथ एसोसिएट करना पड़ता है। इस वाली स्क्रीन को और डिटेल में मैं आपको जो नेक्स्ट वेबिनार हम करेंगे Q&A वेबिनार उसमें आपको क्लियर कर दूंगा, आप इस वीडियो को सुन के आइएगा। ठीक है, तो इसमें सभी पाथ की क्विकली इंफॉर्मेशन है कि जो व्यक्ति SALDP करके बाहर जाके काम करना चाहता है वो उसके लिए भी स्वतंत्र है। पूरे सिस्टम में आने का रास्ता भी बना हुआ है, जाने का रास्ता भी बना हुआ है, किसी के भी माइंड को यहाँ पे चोक नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है अगर वो डिफाइंड वैल्यूज ट्रेनर्स नेटवर्क का मेंबर बन जाता है तो उसको ये सारे फीचर्स की एक्सेस धीरे धीरे मिलने लग जाएगी और एम्पावरमेंट उसकी कर दी जाएगी। कम्युनिटी एनवायरनमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट, पब्लिक कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म, न्यू रोल्स, नॉलेज मैनेजमेंट, ट्रेनिंग असाइनमेंट्स एंड वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज, ये सारी फीचर्स उसको DVTN का मेंबर बनने पे मिल जाएंगी। फिर आता है DVBN, इसमें 10 फीचर्स हैं, न्यू बिजनेस डील्स, डिस्काउंट ऑफरिंग्स, कोलैबोरेटिव लर्निंग, बार्टर, स्किल शेयरिंग, स्पॉन्सरशिप, कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स शेयरिंग, इन्वेस्टमेंट्स एंड मेंटरिंग। तो ये सारी सुविधाएं इस बिजनेस वर्ग के लिए, वैश्य वर्ग के लिए उपलब्ध कराना ये डिफाइंड वैल्यूज बिजनेस नेटवर्क का काम है। फिर आते हैं लीडर्स नेटवर्क पे। तो लीडर्स नेटवर्क का जो मिशन होगा उसको भी ऑर्गेनाइज करने के लिए
सिस्टम में सारे रिसोर्सेज कनेक्ट कर दिए जाएंगे। तो सारे इसमें ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेनिंग, वेंडर, वॉलंटियर सब अंदर से मिल जाएंगे। और आपका जो एक्सटर्नल नेटवर्क है, जो भी व्यक्ति इस मिशन को इसमें एसोसिएट करेगा प्रोजेक्ट यूग परिवर्तन में, उसका जो एक्सटर्नल नेटवर्क है उसको भी धीरे धीरे सिस्टम के अंदर लाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पाथ पे ला दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपकी जो लोग जो संगति है वो भी अपने आप धीरे धीरे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पाथ पे बढ़ जाएगी। तो होता है ना, अगर अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो जिस तरह के लोगों के हम साथ रहते हैं उन्हीं की तरह की वृत्तियां हमारे ऊपर आने लग जाती हैं। तो वो इस एक्सटर्नल नेटवर्क को भी हम सिस्टम में ले आएंगे, और उसके बाद जो आपके ही कॉस्ट से मिलते जुलते मिशन पे काम कर रहे हैं उन लोगों को भी आपके साथ नेटवर्क कर दिया जाएगा। तो ये पार्ट हुआ हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर मिशन। सो सेल्फ रियलाइज मेंटरशिप नेटवर्क, ये आइडियोलॉजी डीफ्रेगमेंटेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें शास्त्रार्थों के द्वारा आइडियोलॉजी की नेटवर्किंग की जाएगी। ऑब्जर्वर वाला, राजगुरु वाला रोल दिया जाएगा, उससे लर्निंग होगी। विजडम बुक सर्कल्स, जैसा कि जो लोग डीबीसी में ऑलरेडी हैं सिस्टम में वो जानते हैं कि हम दो बुक्स की हमने बुक सर्कल स्टार्ट किए हुए हैं, एक कोड ऑफ सिटीजन कंडक्ट राष्ट्रधर्म, और एक जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है भगवदगीता। भगवदगीता पिछले प्रोजेक्ट युग परिवर्तन का डॉक्यूमेंट है और कोड ऑफ सिटीजन कंडक्ट इस युग परिवर्तन का डॉक्यूमेंट है। तो इन दोनों की हम वीकली एक कॉल करते हैं जिसमें एक एक चैप्टर को पढ़ाया जाता है और उससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। फिर आता है स्टडी ट्रिप्स। तो हम पिछले प्रोजेक्ट युग परिवर्तन की अपनी पिछले लाइव्स की मेमोरीज को कलेक्ट करने के लिए कुछ स्टडी ट्रिप्स करते रहते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, ऋषिकेश, और अभी हम ऑरोविले भी होके आए हैं। तो ये स्टडी ट्रिप्स हमें ऑब्जर्वर्स प्राइमरी ऑब्जर्वेशन के द्वारा वर्ल्ड को क्या प्रपोज करना है उसके लिए सहायता करती हैं। तो वो भी सेल्फ रियलाइज मेंटरशिप नेटवर्क का काम है। फिर है डिबेट्स, जैसा कि मैंने कहा शास्त्रार्थ, और फिर है इनक्यूबेटर्स। तो मेंटर्स का काम है कि जब तक लीडर्स पनप के बड़े ना हो जाएं, जैसे अभी लीडर्स एंटरप्रेन्योर्स को इनक्यूबेट करते हैं, इसी तरीके से मेंटर्स का काम है कि वो लीडर्स को इनक्यूबेट करें। ठीक है, एंटरप्रेन्योर मैनेजर वाले रोल में आता है, लीडर एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो इनक्यूबेशन भी सेल्फ रियलाइज मेंटरशिप नेटवर्क का काम है। ये सारे फीचर्स, इनमें से बहुत से फीचर्स डेवलप होकर एक्टिवेट हो चुके हैं और बहुत से फीचर अभी बन रहे हैं। फिर आता है एपीआईपीपी, जो मैंने कहा परित्राणाय साधु नाम हो गया एसएलडीपी से, विनाशाय च दुष्कृताम होगा एपीआईपीपी से। तो इसमें क्या होगा, एडिशनल ट्रेनिंग्स जो मिलती हैं वो हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की, मास कम्युनिकेशन की, पब्लिक रिलेशंस की, प्रोसेस ओरिएंटेशन की, एंड पब्लिक इवेंट्स मैनेजमेंट की। ये पांच स्किल्स के द्वारा लीडर्स को इक्विप किया जा रहा है, सो दैट सेल्फ रियलाइजेशन करके विल भी डेवलप कर सकें और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए स्किल भी डेवलप कर सकें। फिर जो ये ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, इसके जो चार पिलर हैं, इसके बीच में डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट्स फिल्टर का काम करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो गठन कर रहा है, इसके लिए बहुत सारी एडिशनल कम्युनिकेशन इवेंट्स वर्कशॉप डिजाइन की गई हैं, जो आपकी स्क्रीन पे ये रही। तो इतनी सारी ये जो कम्युनिकेशन आप देख रहे हैं और भी इसमें बढ़ती चली जा रही है, इन सब के द्वारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर से नए वर्ल्ड ऑर्डर में ह्यूमन बींग्स को भी, यानी इंडिविजुअल्स को भी, और पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी ट्रांसफर किया जा रहा है। फिर आ जाते हैं डीवीसी और डीवीजी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। डीवीसी मैंने बताया था वो ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व गुरु के रूप में प्रोजेक्ट की जा रही है, और डीवीजी इकोसिस्टम का नाम है। तो इसको भी हम आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप, सो दैट अल्टीमेटली वी कैन मेक यूनाइटेड भारत। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो समझ लेते हैं जल्दी से, बाकी आपको वीडियो में मिल भी जाएगा। डिफाइंड वैल्यूज इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट इज द मेंटरिंग, एफिलिएटिंग, एडमिनिस्ट्रिंग एंड ऑब्जर्विंग कंपनी ऑफ डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप। डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप वुड हैव टू टाइप्स ऑफ कंपनीज इन इट, wholly owned subsidiaries and affiliate companies. तो कुछ companies ये खुद लॉन्च करेंगी organized, क्योंकि companies क्या है, organized system है, एक organized energy synthesis है। तो कुछ तो defined values consultants खुद लॉन्च कर देगी और कुछ जो है existing companies को हम affiliate कर लेंगे, यानी कि existing company अगर वो new world order में transition करना चाहे तो उनका पूरा transition plan बना के affiliate कर लें। Defined values group
was referred as Vedic Wisdom Group. तो ये बुक जो पब्लिश हुई थी कोड ऑफ सिटीजन कंडक्ट ये सन 2014 में पब्लिश हुई थी तो तब इसमें नाम दिया गया था वैदिक विजडम ग्रुप बट इस बात को समझते हुए कि एक ऐसा नाम देना है सो दैट दूसरी कंट्रीज के लोग भी इसको अडॉप्ट कर सकें और हिंदुइज्म का लेबल ना लग जाए इसीलिए उसका नाम कर दिया गया डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप इट विल बी चेंज टू न्यू नेम इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द बुक देन होली ओन सब्सिडरीज डीवीजी की क्या है वो देख लेते हैं Several wholly owned subsidiary starting with defined values will be launched in future. As of now, we have two companies with this name, Defined Values Consultants Private Limited and Defined Values Publishers Private Limited. In future, we may have Defined Values Caterers Private Limited, Defined Values Investment Solution Private Limited and so on. सभी जितने ecosystem को बनाने के लिए जरूरत होगी उतनी companies हम इसमें create करते हैं. For all companies starting with defined values, excluding DVC and DVP, the DVG would be 100% shareholding company and would appoint SALDP graduates in the board of directors, advisory board, and as governance and observers. The profits of DVG would be utilized to fund the new affiliate and subsidiary companies so that we can achieve the objective of PYP phase 1 by 2025. A member of Self-Realized Mentorship Network, जो आप में से किसी ने एक प्रश्न किया भी था राजा और उससे related observer, so would be part of audit board of each group company, wholly owned or affiliated company, and would be playing the role of Rajguru. The detailed job description of PYP governor and PYP observer would be explained during APIPP training. फिर आता है affiliation. DVG will hold 30 to 51% equity of an affiliate company on pro bono basis. The percentage would be decided on case to case basis. The remaining 49 to 70% would be distributed to the seed leadership team, जो कि self actualization path पे पहुंचे हुए SLDP graduates के द्वारा ही बनाई जाएगी, co-founders and investors. One PYP governor and one PYP observer would be appointed for every 10 companies of DVG. DVG would not do an affiliate company specific marketing and would instead market the group as a whole and would allocate the projects to affiliate subsidiary companies based on selection process defined for allocation. So DVG क्या करेगी? DVG को market करेगी और उसके अंदर जितनी भी services civilization को synthesize करने के लिए जरूरी हैं, वो सारी की सारी के ऊपर project जो है allocation होती जाएगी. तो project allocation अभी भी जैसे old world order में governance system करता है उसी तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भी गवर्नेंस सिस्टम करेगा लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लीडर्स करेंगे डीवीजी रिजर्व द राइट टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन इन द ग्रुप एंड मे हैव मल्टीपल कॉम्पिटिंग कंपनीज एफिलिएटेड टू इट डीलिंग इन द सेम डोमेन तो अगर आप देखें हर एक डोमेन में बहुत सारे लोग हैं हमें सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तो इवन फॉर क्रिएटिंग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड आर वर्किंग किसी का नाम वसुदेव कुटुंबकम हो सकता है किसी का नाम युग परिवर्तन पार्टी हो सकता है किसी का नाम वन वर्ल्ड मूवमेंट हो सकता है किसी का नाम पतंजलि योगपीठ हो सकता है ये सभी लोग वननेस को क्रिएट करने के लिए अपना अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को समझना पड़ेगा कि ओरिजिनल थिंकर्स आर ओरिजिनल थिंकर्स तो वो जिस प्रपोजल को लेके आ रहे हैं आप उसको समझ के उसको स्वीकार कर लें तो ही हम सबके लिए बेहतर है अदरवाइज अपनी ढपली अपना राग हो सकता है तो उस चीज को बचाने के लिए सभी व्यक्तियों को चाहे वो सब यूनिफाइड नेम लेके आ रहे हो लेवल प्लेइंग फील्ड देना वो डीवीजी का काम है द बिजनेस चैनलाइज थ्रू द डीवीजी प्रोजेक्ट बिडिंग्स वुड बी एलोकेटेड डिवाइडेड बिटवीन वन और मोर एफिलिएट कंपनीज एट द डिस्क्रिशन ऑफ डीवीजी ऑथराइज्ड प्रोफेशनल्स और डीवीजी के ऑथराइज्ड प्रोफेशनल आप खुद भी हो सकते हैं आप अगर सिस्टम में उस मार्ग से आते हैं जिस मार्ग से उसको बनाया गया है तो आपको भी वो अथॉरिटी धीरे 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 डेलीगेट कर दी जाएगी However, the DVG group companies are free to market their products in open market in the old world order also. तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे किसी को choking feeling हम नहीं देते हैं तो सबको खुला space भी मिलेगा कि वो अपने open market में उसको sell कर सके In addition to equity based earning from the affiliate companies through dividend distribution or through other legal ways, each DVG affiliate or subsidiary has to pay the salary for two people, PYP observer and PYP governor. क्योंकि हमें यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को ही रीबिल्ड करना है तो जो अगर हम ये माइंडसेट लेके चलें कि युग परिवर्तन में पैसे को इन्वॉल्व ना करो तो कृपया जान लीजिए जिस डिफेक्ट को हम फिक्स करने निकले हैं उस डिफेक्ट का ये पार्ट है
कि चारों पुरुषार्थ हर एक ह्यूमन बीइंग फॉलो कर सके, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसा सिस्टम बनाना है। भारत में एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल डिफेक्ट हुआ है कि मनी को और मटेरियल को हेट करने की वजह से, जो स्पिरिचुअल प्रीचिंग थी जो मनी को हेट करना सिखा रही थी, वो ये बात भूल गई कि चार चार चीजें बनी है, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना है, ठीक है, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग बना है, ऐसे ही एफिशिएंट कॉज फाइनल कॉज मटेरियल कॉज और फॉर्मल कॉज बना है, निर्गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण बना है, वर्ल्ड की सारी क्रिएशन इन चार गुणों से ही बनी है। तो उसमें आप धर्म अर्थ काम मोक्ष में सिर्फ धर्म और मोक्ष को उठा के कुछ भी अचीव नहीं कर सकते जब तक आप अर्थ और काम को भी साथ में लेके ना चलें। तो इसलिए इसका डिजाइन बिल्कुल प्रिंसिपल्स के बेस पे है, ये बहुत सारी प्रिजुडिसेस तोड़ेगा, पूर्वा जो आग्रह है लोगों का वो तोड़ेगा, उसी के लिए SLDP के पाथ से होकर गुजर के फिल्टर होना बहुत जरूरी है। सो DVG वुड नॉट बर्डन द एफिलिएट कंपनी ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स एंड द क्राइटेरिया फॉर दिस कंपनसेशन वुड बी डिसाइडेड ऑन केस टू केस बेसिस। The detailed terms, conditions, eligibility, roles, process of entry and exit from the DVG would be explained during the affiliation process. Each SALDP graduate is free to launch their 100% holding companies separately also if they are not participating in PYP. तो मैंने जैसे बताया कि कहीं पे भी कोई congestion नहीं, लोगों को नहीं देना चाहते। ये है organization chart of mentors, associate mentor, senior mentor, principal mentor, deputy chief mentor. और सबसे ऊपर ये चीफ मेंटर, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं, एसोसिएट मेंटर मतलब ऋषि, सीनियर मेंटर मतलब महर्षि, प्रिंसिपल मेंटर देव ऋषि और डेप्यूटी चीफ मेंटर जो है ये ब्रह्म ऋषि, और इनके ऊपर जो ओरिजिनल गाइडेंस ऊपर वाले से आ रही है वो एक चीफ मेंटर रोल होगा, और इस रोल को एक लेवल के बाद जाके हम डिसबैंड भी कर सकते हैं, सिर्फ डेप्यूटी चीफ मेंटर से काम चला सकते हैं। ये था ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फॉर मेंटर्स, और ये है लीडर्स। लीडर्स के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में आता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, विजडम सिटी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट जो मैंने आपको बताए थे, उस हर एक कंपोनेंट को बिल्ड करने के लिए लीडर्स चाहिए। तो जो कंपोनेंट लेवल पे लीड करेगा उसकी डेजिग्नेशन का नाम है एडिशनल एसोसिएट लीडर, और इसके अंडर जो पूरी हायरार्की आती है वो चारों नेटवर्क्स की आती है, DVTN, DVBN, SALN, SRMN, और कंपनीज को जो कि होली ओंड है या एफिलिएट है उनको गवर्न करने की। तो एक एडिशनल एसोसिएट लीडर को आप समझ सकते हैं कम से कम वो 25 ऑर्गेनाइजेशंस गवर्न करेगा मिनिमम, ठीक है। उन सारे एडिशनल एसोसिएट लीडर्स का जो ग्रुप होगा वो रिपोर्ट करेगा एसोसिएट लीडर को। एसोसिएट लीडर का काम होगा कि एक विजडम सिटी को बनाने के लिए जो भी ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स चाहिए उसकी एनर्जी को सिंथेसाइज करे, ठीक है। फिर सीनियर लीडर का काम होगा कि एक विजडम सिटी क्लस्टर को बनाने के लिए जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो सारा ये सिंथेसाइज करेगा। फिर स्टेट लेवल पे प्रिंसिपल लीडर, जो कि आज के आप चीफ मिनिस्टर से रिलेट कर सकते हैं, प्रिंसिपल लीडर विल गवर्न वन विजडम स्टेट। देन डेप्यूटी चीफ लीडर को आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से रिलेट कर सकते हैं, तो वो विजडम कंट्री लेवल पे होगा, और चीफ लीडर को आप यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल से रिलेट कर सकते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे गवर्नेंस बॉडी। तो इस तरह से ये सारी एनर्जी फील्ड सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोगों के द्वारा बनाने से पूरा इकोसिस्टम रिपेयर हो जाएगा, और इसमें पूरा रेवेन्यूज का भी ध्यान रखा गया है कि उसका डिवीजन बिल्कुल प्रॉपर रोल के हिसाब से हो, जो लोग प्रोजेक्ट लाते हैं उनको कुछ मिले, जो लोग प्रोडक्ट या सर्विस को बनाते हैं उनको मिले, जो लोग उसको डिलीवर करते हैं उनको मिले। 10% जैसा कि शास्त्र बताता है, 10% ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट शुड गो एज स्पिरिचुअल टैक्स to defined values trust so that 5 services that I have told you earlier can become state responsibility. Then, jo log us accounts ko manage kare additional associate leaders, they should become customer relationship manager aur unko bhi kuch usme se revenue mile aur kuch part jo hai defined values consultants milte hain. Ye jab pura contract logo ke sath set hoga to usme sara explained hoga. Abhi 6 slides aur hain to main aapko quickly bata deta hu aur uske baad hum question and answers ke liye open karenge. कि कुछ अचीवमेंट्स अभी तक हुई हैं, हालांकि ये पर्पस नहीं है लेकिन एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ये मिलने लगा है, और जो कोड ऑफ सिटीजंस कंडक्ट है ये एक दिन नोबेल पुरस्कार के लिए भी पहुंच जाएगी, या तो पीस कैटेगरी में या लिटरेचर कैटेगरी में, और बहुत से ऐसे अवार्ड्स वगैरह सभी आते रहेंगे। ये अवार्ड्स इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि ये इन्फ्लुएंस लेवल को जल्दी बढ़ाते हैं सो दैट हम काम जल्दी कंप्लीट कर पाए, अदरवाइज
अंदर से जो सेल्फ एक्चुलाइज और रियलाइज हो गए उनको इन अवार्ड्स की वैसे बाहर से कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सिस्टम के लिए जो चीज की जरूरत है उसके लिए अवार्ड्स को स्वीकार कर लेते हैं, अदरवाइज नो नीड। तो बुक को लिखने के लिए प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड, कंपनी को उसकी विजन देखते हुए 2015 में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंसल्टेंसी ब्रांड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज इन दिल्ली एनसीआर, ये रिकॉग्निशन मिला। और अभी रिसेंटली एक सिलिकन इंडिया मैगजीन है बैंगलोर बेस्ड, उसके द्वारा टॉप मोस्ट प्रॉमिसिंग लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स 2019 का इसमें रिकॉग्निशन मिला है। मीडिया में इसकी काफी अलग अलग लेवल पे चर्चा हो चुकी है और 8 cities में हम इस समय ऑपरेट कर रहे हैं, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे। यहाँ पे हमने वर्कशॉप्स की हुई हैं और यहाँ पे लोकल टीम्स भी डेवलप हो रही हैं और इन्हीं सिटीज को हम हब एंड जो सर्किट मॉडल होता है, हब एंड स्पोक मॉडल सर्किट, वो सर्किट्स के रूप में कन्वर्ट कर देंगे इस फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 में, सो दैट एक ही हब से हम 250 किलोमीटर का जो रेडियस है उसको कवर कर पाए। तो यहां तक ये बात हुई प्रेजेंटेशन की, अभी मैं एक स्लाइड में आपको नेक्स्ट स्टेप बता देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो एक स्टेप है क्वेश्चन एंड आंसर हेयर, तो इस स्लाइड के बाद हम वो क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। फिर है आप सभी लोगों ने से मैंने व्हाट्सएप पे उस पे चैट पे मैसेज इसलिए मांगा है सो दैट आज के पार्टिसिपेंट्स का हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकें और उसमें आपको ऐड करके जो भी क्वेश्चंस हैं एडिशनल वो आप वहां पे पूछ सकते हैं, वॉइस नोट्स के द्वारा या टेक्स्ट के द्वारा। स्टेप 3 में आता है क्यू एंड ए ऑन फोन कॉल, तो आप डीवीसी की टीम के साथ बातचीत करके मैं आपको ऑथराइज लोगों के नाम बता दूंगा। तो जितने एडिशनल एसोसिएट लीडर्स अभी एक्टिव हैं और आज इस ग्रुप में आए हुए हैं वो लोग से आप बात कीजिए, मैं उनके नंबर पब्लिश कर दूंगा और वो मेरे साथ आपकी 1-to-1 कॉल को एक तरह से स्केड्यूल कर देंगे। फिर आता है स्टेप 4 कि पूरी विजन को डिटेल में जानने के लिए आप कोड ऑफ सिटीजन कंडक्ट प्रोक्योर कर सकते हैं। फिर आता है स्टेप 5, जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो हम आपसे 1-to-1 करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेयर डू यू फिट इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स, और उसके हिसाब से जो 10 paths दिए गए हैं उसमें प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में एनरोलमेंट कर लिया जाएगा। और इसमें जो अर्थव्यवस्था है उसको मैनेज करने के लिए हमने अभी क्या किया हुआ है इसमें कि बहुत सारे फोरम्स हमने फ्री किए हुए हैं और सिर्फ SALDP की हम फीस चार्ज करते हैं सो दैट सिस्टम की अर्थव्यवस्था बनी रहे और वो कलैप्स ना हो। तो मेरा इसमें अनुरोध है उसको किसी लालच या ग्रीड या किसी उस नजर से ना देख के ये समझ के देखा जाए कि अगर हाई कॉन्शियस लोगों के पास धनराशि जाएगी तो उसका प्रयोग सही तरीके से किया जाएगा। तो अपना अनुदान, अपना योगदान सभी समझते हुए आप उस फीस को दे दें। तो इस तरीके से हम इन 5 steps के द्वारा जाएंगे। तो अभी हम step 1 शुरू करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर हेयर। सो नाउ आई एम क्लोजिंग दिस प्रेजेंटेशन।